एंड वेलकम टू थाउजेंड एटीन टू थाउजेंड नाइनटीन टू थाउजेंड ट्वेंटी एंड टू थाउजेंड ट्वेंटी वन जो की अभी अप्रैल में हुआ था लेटेस्ट एग्जाम्स में जो आए हैं सी जी एल के वो सारे एग्जाम्स आज हम लोग करने वाले पूरे कॉमन एरर क्वेश्चन एक साथ करने वाले हैं ठीक है तो सारे को, सारे क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे और क्योंकि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होंगे तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगी कि आप लोग इतनी उम्मीद ना करें कि मैं बहुत ज्यादा चैट्स देखूंगी क्योंकि मैं ऐसा नहीं करने वाली हूं क्योंकि हमारा पिछला सेशन था उसमें बहुत हमने चैट्स डिस्कस किया था आप लोगों की बातें मैंने सुनी थी तो थोड़ा तो सा टाइम ज्यादा चला गया था कंटेंट उसमें कम आ पाया था तो आज ऐसा नहीं करेंगे राइट पहली और वेरी इंपॉर्टेंट बात सेशन को जब अच्छा लगे आप लोग लाइक जरूर करिएगा क्योंकि आप लोगों का लव है जो हम लोगों को ऐसे सेशन लाने के लिए हमेशा मोटिवेट करता है आप लोग इस सेशन को एक बार शेयर कर दो जल्दी से जाके ताकि कि ये सेशन जो है आज अलग नई ऊंचाइयों पे नई बुलंदियों को छुए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और आपको पता है शेयरिंग इज केयरिंग इसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने लोगों के साथ शेयर करते हो क्योंकि ये जो सेशन है ये तो आगे बढ़ने वाला है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को वैसे ही मिल जाने वाला है इंपॉर्टेंट सेशन है राइट आइए शुरू करेंगे हमारे आज की क्लास को कोई भी आप लोगों का डाउट हो तो आप शेयर कर दीजिएगा इसके एनालिसिस सब कुछ होगा एंटेनम्स बाकी हैं सब कुछ एग्जैक्टली exactly. सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे हमने इडियम्स हमने सुनोनम्स हमने कॉमन एरर करा है थर्ड सेशन है एंटोनिम्स वन वर्ड पैराजल क्लोज टेस्ट ये सब कुछ अभी बाकी है और लाइन से आप लोगों को मिलते जाएंगे कल हम लोग डायरेक्ट ने डायरेक्ट या फिर वॉइस में से कोई एक चीज करेंगे ठीक है लेटेस्ट एग्जाम का सोल्यूशन करवाना चाहिए एग्जैक्टली exactly. जैसे कि सीपीओ अभी हुआ है तो मैं एक दिन सीपीओ करवा दूंगी पूरा एक साथ वो कैबुलरी हो जाएगी दो ही पेपर हुए थे दो दिन हुए थे मतलब सिक्स सेगमेंट तो आराम से कर लेंगे उसके अलावा स्टेनो आने वाला स्टेनो भी कर लेंगे आपके एग्जाम से पहले सब कुछ कर लेंगे किसी को कुछ बोलना है कुछ बताना है आप अभी बोल दीजिए राइट अभी हम लोग बिल्कुल उसके बाद बातें नहीं करेंगे बहुत सारे लोगों की एग्जाम्स की डेट भी आ गई है तो बस अब रिविजन कर रहे हैं थोड़ो रिविजन इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता इंग्लिश का रिविजन आप मेरे क्लास से ही कर लीजिए बाकी टाइम आप दूसरे कुछ भी पढ़ सकते हैं बहुत आराम से मॉक टेस्ट वगैरह में अगर मार्क्स नहीं भी आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है सिर्फ इसको रिवाइज कर लो मॉक टेस्ट का लेवल अप रहता है बहुत सारे बार आप लोग बोलते हैं जो क्वेश्चन यहाँ करते हैं वो आते ही नहीं पर ऐसा नहीं होता एग्जाम में वही क्वेश्चन होते हैं जो हम यहाँ करते हैं इसलिए ठीक है यस यस मैथ्स का जो बाकी सेशन है वो हम लोग करेंगे किसी दिन मैंने बोला टेस्ट में करा दूंगी तो मैं करा दूंगी डोंट वरी एट ऑल अभी फ़िलहाल हमारा टाइम है शुरू करने का एच सी एम का वो कैब एक क्यों एच सी एम का वो कैब करवाते हैं सब कुछ कवर हो जाएगा एग्जाम के पहले जैसा कि मैंने कहा होगा तो डेफिनेटली होगा डोंट वरी चलिए किसी को कुछ और बोलना है तो आप बोल सकते हो अदरवाइज क्लास को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास को ठीक है जी जिसको जो भी प्रॉब्लम है अभी बोल दीजिए बीच में मैं चैट्स नहीं लूंगी चलिए तो क्या आप लोग तैयार हैं आज के इस सेशन के लिए 182 हंड्रेड क्वेश्चन टोटल है बैक टू बैक बहुत सारे इसलिए आप कोई चैट्स नहीं लूंगी मैं कोशिश करूंगी बिल्कुल भी चैट्स ना लूँ फर्स्ट दिसंबर को जिनका एग्जाम है वो लोग तो बस फर्स्ट डे फर्स्ट शो एंजॉय करेंगे कॉम्पिटिशन में बिल्कुल सबसे आगे और जितना पहले उतना फ्री रिलैक्स रहोगे डरो मत सबसे अच्छा पेपर आपका होगा सो डोंट वरी ओके चलिए शुरू करते हैं क्लास को वन मिनट के साथ भी वो, सबसे पहले ट्वेंटी 20... ओहो ये हिंदी नहीं आया है यहाँ पे मैं हिंदी वाली बोल देती हूँ हिंदी अभी आ जाएगा चलिए शुरू करते हैं आज से 2018 करेंगे फिर 19 करेंगे फिर 20 करेंगे और फिर 21 करेंगे राइट बैक टू बैक सारे करने वाले 18 से शुरू कर रहे हैं आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जल्दी से बस एक बार इतना सा आंसर कर दीजिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए 2018 शुरू करना चाहिए या 2022 जल्दी से बता दो 18 से शुरू करके 19 20 21 पे पहुंचे या 21 से शुरू करके फिर ऐसे करें रिवर्स करें या स्ट्रेट करें बस इतना आंसर दे दीजिए क्वेश्चन जब तक मैं पहले स्टार्ट कर देती हूँ यहाँ से हुँ. सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है Cyclone Nidai killed at least 157 people in Zimbabwe and Mozambique, although it tore across southern Africa. Right? राइटन से आप लोग जैसा कहेंगे फर्स्ट छूट गया तो कर लेंगे फर्स्ट वैसे ही छूट गया होगा वो स्लाइड को डेट्स को करने में हाँ साइक्लोनिस्ट वन हंड्रेड एंड फिफ्टी सेवन पीपल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू 22 से करें ठीक है फिर हम रिवर्स चलेंगे है ना लास्ट क्वेश्चन सबसे पहले और सबसे पहला क्वेश्चन सबसे लास्ट में होगा फिर रिवर्स चलेंगे ठीक है बेटा ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं है फर्स्ट तो करवा दूंगी फर्स्ट करवा के फिर 22 पे चलेंगे तो साइक्लोन इदाई सब्जेक्ट है हमारा वव आ गया किल्ड

तब तक मैं माइंड में सोचती करना क्या है फर्स्ट क्वेश्चन करने पड़े बहुत सारे ऑर्डर्स सेवरल इन केस दैट द प्रोडक्शन स्ट्राइक क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो अप हो गया था प्रोडक्शन वॉज हेल्ड प्रोडक्शन ड्यू टू लेबर स्ट्राइक है ना क्योंकि हमें ऐसा करना पड़ा

इन केस अगर ऐसा हुआ मान लो ऐसा हो जाए है ना वो वाला इन इन केस हो गया अदरवाइज हो गया मान लो ऐसा हो जाए सपोज ऐसा हो जाए मान लो अगर ये वाला वाला सेंस सेंस होता होता है है सपोज तो यहाँ पर की जरूरत नहीं पर हम क्या करेंगे इसको रिप्लेस करेंगे इसको रिप्लेस करेंगे किससे बिकॉज से क्योंकि बिकॉज जहां जहां पे आप लगा सकते हो वहां वहां पर आप लगा सकते हो सेंस वहां वहां पर आप लगा सकते हो फॉर वहां वहां पर आप लगा सकते हो एज इन सबका सेंस होता है क्योंकि आप पढ़ के देखिए

आंसर कर देंगे शी गॉट टू क्विक प्रमोशन उसने टू क्विक प्रमोशन उसको मिले क्यों बिकॉज शी हैड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी थी उसको टू क्विक प्रमोशन मिले राइट शी गॉट टू क्विक प्रमोशन इन ऑर्डर दैट लिखा हुआ है

नहीं एक्चुअली ए सी मैंने अभी भी आके सबसे पहले ए सी ऑन किया है तो ऐसी कोई सर्दी नहीं आई मैंने सोचा था थोड़ा ठंड लग रहा था बाहर तो मैंने सोचा पर यहाँ पे नहीं है ड्यू टू सबसे पहले ड्यू टू है ड्यू टू क्या होता है प्रेपोजिशन ठीक है के कारण अब प्रेपोजिशन है इसको नाउन चाहिए होता है ड्यू टू द साइक्लोन साइक्लोन इदाई के कारण ये हमारा नाउन है ठीक है इदाई के कारण क्या हुआ वास्ट एरियाज ऑफ लैंड बड़े जो एरियाज थे बहुत बड़े बड़े एरियाज जो थे लैंड के तो ये हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर वास्ट एरियाज ऑफ लैंड और ये सब्जेक्ट इसका हो वो, वो गया राइट वास्ट एरियाज ऑफ लैंड 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 हैव हैव बीन बीन ही आएगा land नहीं है वहां पर सब्जेक्ट क्योंकि ऑफ हमारा ही प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है तो एरियाज सही है इसलिए हैज लगा के गलती ना करे कोई और गलती भाई इसमें देखो ध्यान से वास्ट एरियाज ऑफ लैंड हैव बीन फ्लडेड बहुत बड़े एरियाज जो हैं वो फ्लडेड हो गए पानी से बह गए बाढ़ आ गई उनमें है ना रोड्स रोड हो गए रोड्स बिल्कुल खत्म हो 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 गए हो गए हो गए 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 एंड कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन और कैसे कैसे डिसरप्टेड डिसरप्ट बाधित हो गए अभी आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा ये जो है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको याद नहीं है इसलिए आप गलती यहाँ पर कर रहे हैं ये डिसरप्टेड आएगा ठीक है डिसरप्ट होना डिस्टर्ब करना होता है उसी को बोला जाता है अब देखो ये कौन बोल रहा है कि ड्यू के बाद टू नहीं आएगा कहां पढ़ लिया माउंटेन ड्यू नहीं लिखा हुआ है उस ड्यू के बाद टू नहीं आता बाकी वाला ड्यू टू ही होता है आ, यहां देख लो एक बार एंड और देन ठीक है दो कंजंक्शन एक होता है एंड और दूसरा होता है देन ठीक है या फिर कोई भी और कंजंक्शन हो वैसे एंड और देन में टू का रिप्यूटेशन नहीं होता ये बताना कोई भी कंजंक्शन अगर आ जाए कोई भी कंजंक्शन अगर आ जाए तो हमारा जो ये

जिस भी एग्जाम में ग्रामर आएगा सब देखिए चाहे वो एनवीएस हो चाहे वो एफ कैट हो चाहे वो एनडीए हो अभी कोई भी आके पूछे आपको यस बोलना है आपको मेरी तरफ से ठीक है तो ड्यू टू इज अ राइट वन ड्यू टू प्रपोजिशन होता है इसके प्लेस पे हम ओइंग टू यूज कर सकते हैं और कई लोगों को एक मिसकनसेप्शन होता है कि ड्यू टू स्टार्टिंग में नहीं आता है बेटा आता है ठीक है ओइंग टू बिकॉज ऑफ विद ये सब इसकी जगह पर यूज किया जा सकता है ठीक है तो ये हो गया हमारा फोर्थ नंबर फाइव आपके सामने आ गया है ये रहा टोरेंशियल रेन्स एंड विंड ऑफ अप टू वन किलोमीटर पर आर स्वेप्ट अवे रोड्स होम्स एंड ब्रिजेस एंड नॉकिंग डाउन पावर एंड कम्युनिकेशन लाइंस बहुत ध्यान से देखिएगा कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट शिफ्ट से सेकंड शिफ्ट में सेकेंड शिफ्ट से थर्ड शिफ्ट में लगातार रिपीटेड होते दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर फाइव है ये

Homes को और ब्रिजेस को सारे के सारे बह गए ब्रिजेस मतलब आ, पुल जो होता है वो एंड नॉकिंग डाउन गिरा दिए किसको पावर एंड कम्युनिकेशन लाइन जितनी भी पावर की लाइन थी लाइट्स की लाइन थी इलेक्ट्रिसिटी लाइन थी कम्युनिकेशन की टेलीफोन वायर्स जो भी लाइन वगैरह लगी हुई थी सबको गिरा दिया गया नाउ पैरालिज कहाँ आएगा वर्ब में आएगा देखो दे स्वेफ्ट अवे रोड्स होम्स एंड ब्रिजेस एंड नॉक्ड डाउन वी टू लगेगा यहाँ पर वी टू है यहाँ पर भी वी टू लगेगा ठीक है बस इतना सा करना है पर कट लग रहा है मी सी एक बार स्लाइड में ऐसा कुछ नहीं आ रहा है मी चेक वंस नो ये लास्ट कॉर्नर है जो आपको नजर आ रहा है बोर्ड की एजेस भी नजर आ रही कुछ भी शिफ्ट नहीं हो रहा है ऑल ओके सो क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आ गए फर्स्ट डे खत्म हो गया है नहीं सिक्स क्वेश्चन के बाद फर्स्ट डे खत्म हो जाएगा सेकंड डे शुरू हो जाएगा शी लॉस्ट बिग ऑर्डर उसने लॉस्ट कर दिया खो दिया एक बड़ा ऑर्डर फ्रॉम अ नोन शोरूम नोन माने मतलब नून क्या हुआ यहाँ पर अ लिखा हुआ ये हमारा आर्टिकल है ठीक है ये हमारा नाउन है दिस आर्टिकल दिस इज नाउन इट इज एन एडजेक्टिव वी3 हमारा एडजेक्टिव का काम करता है नोन है जैसे एक ड्रंकन मैन होता है तो पिया हुआ मैन है शोरूम में नहीं जाना माना पहचान वाला है ना तो नोन मैने जाना हुआ जिसको सब जानते हैं जाना पहचाना एक शोरूम है इन केस ऑफ हर ओन केयरलेसनेस अपने खुद के केयरलेसनेस के कारण राइट अपने खुद के के केयरलेसनेस कारण अब देखो शी लॉस्ट ये हमारा सब्जेक्ट हो गया ये हमारा वर्ब हो गया शी लॉस्ट शी लॉस्ट शी लॉस्ट व्हाट अब एक ऑर्डर एक बड़ा ऑर्डर उसने मिस कर दिया ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया किससे प्रपोजिशन आगे आगे एक नाउन आना चाहिए इसका ये रहा नाउन एडजेक्टिव आर्टिकल सब इसी के लिए आ रहा है शोरूम इन केस ऑफ इन केस ऑफ नहीं आएगा इन केस ऑफ रेन क्या होता है कंजंक्शन होता है इन इन केस केस इट और वो भी होता है कंजंक्शन इन केस ऑफ नहीं आएगा यहाँ पर फिर गलती हो गई क्या होगा वही ड्यू टू ओइंग टू बिकॉज ऑफ यही आ जाएगा यहाँ पर के कारण के लिए अभी अभी बताया था मैंने बिकॉज ऑफ ये सब यहाँ पर लगा सकते हैं तो आप लिखोगे के कारण क्यों उसने लॉस कर दिया अब देखो बेटा जी एक चीज समझना पर ग्रामर वाइज हंड्रेड परसेंट सही हो जाएगा अगर आप तोड़ोगे ना यहाँ पर प्रेपोजिशन आना चाहिए प्रेपोजिशन का नाउन फिर से प्रेपोजिशन आ गया ये प्रेपोजिशन का नाउन एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन बट द प्रपोजिशन यूज्ड हियर इज रॉन्ग है ना जो रू जो प्रेपोजिशन यूज हो रहा है ना वो रॉन्ग है तो राइट आंसर क्या होगा इन केस ऑफ उड़ाओ ड्यू टू या ओइंग टू या बिकॉज ऑफ या विद विद एक्चुअली वैक्च, क्या होता है विद भी लगा सकते हैं पर विद शुरुआत में होता है शुरुआत में अगर आता है ना तो इसका सेंस के कारण होता है क्योंकि आपको पता है विद जो है साथ का भी प्रयोग होता है इस सेंस में ठीक है पीडीएफ मैं अभी बता रही हूँ ऊपर वैसे सब कुछ लिखा हुआ है इंडिया स्टडीज ऐप में हिंदी में लिख दिया पर वो हिंदी अभी गायब हो गई तो अभी टीम्स में काम करी विजेता बैच में कैसे मिलेगी सब कुछ यहाँ लिखा हुआ पांच मिनट में आपको समझ में आ जाएगा ठीक है तो ये बेटा ग्रामर के सेंस में बिल्कुल सही है पर क्या होता है हमारा सेंटेंस सिर्फ ग्रामर के बेस पे हमें नहीं निकालना होता है पहले ग्रामर देखो और ग्रामर के बाद सेंस भी देखो दो टायर्स में चलता है इंग्लिश एक टायर होता है जैसे स्कूटर होता है ना स्कूटर है इंग्लिश और पहला टायर जो है ग्रामर है दूसरा टायर सेंस है पहला टायर ठीक है दूसरा टायर खराब है तो स्कूटर आगे नहीं बढ़ेगा सेम टेक्निक आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है दूसरा टायर इसका खराब था इसलिए हमने ठीक कर दिया ग्रामर ठीक है हमें सेंस के आधार पर देखना है अगला क्वेश्चन so here we go next question cyclone idai is regarded as one of the worst tropical tropical cyclone on record to affect africa and the southern hemisphere as a whole as a whole ka matlab kya hota bitaji. it's completely Okay. cyclone idai is regarded as cyclone idai regard as one of the worst tropical cyclone ऑन रिकॉर्ड राइट रिकॉर्ड में ऑन रिकॉर्ड का इट इज ऑन रिकॉर्ड ये वन ऑफ द वर्स्ट में से है रिकॉर्ड में है ठीक है सो यहां से पढ़ते हैं साइक्लोनिदाई ये हमारा सब्जेक्ट है इज रिकॉर्डेड जिसको रिगार्ड किया जाता है कैसे एज कि एज यहाँ पर देखो एज के बाद वन आ रहा है ना तो एज हमारा यहाँ पे प्रेपोजिशन है एज क्या है यहाँ पर प्रेपोजिशन है और एज अगर प्रेपोजिशन का प्रेपोजिशन आ रहा है तो उसका सेंस क्या होता है के रूप में के रूप में राइट साइक्लोन इदाई को रिगार्ड किया जाता है कैसे के रूप में किसके रूप में वन ऑफ द वर्स्ट ट्रेपिकल साइक्लेन साइक्लोन के रूप में इसको रिगार्ड किया जाता है ऑन रिकॉर्ड है ये राइट अब देखो बेटा वन ऑफ आ रहा है

पर साइक्लोन में से साइक्लोन में से एस हटा दिया गया है बस साइक्लोन्स कर दो बाकी सब ठीक अभी कुछ देर पहले आप लोग टू इफेक्ट कर रहे थे बेटा जी सुन लो एक बार अफेक्ट जो होता है ना वो सिर्फ वर्ब होता है और इफेक्ट जो होता है वो भी होता है और इफेक्ट नाउन भी होता है इफेक्ट अगर नाउन होता है तो इसका मतलब होता है प्रभाव और इफेक्ट अगर वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है प्रभाव में लाना कोई भी रूल है कोई भी नियम है तो उसको प्रभाव में कब से लाया जाएगा द रूल विल बी इफेक्टेड फ्रॉम द न्यू कंसाइनमेंट विल बी इफेक्टेड फ्रॉम इस डेट से तो इफेक्टेड वहां पर यूज किया जाता है ठीक है तो राइट right आंसर हमारा टू अफेक्ट

एक जैसे सेंटेंस लगभग लगभग देता है ये राइट नेक्स्ट एवरी एम्प्लॉय हर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी कंपनी का हर एम्प्लॉय क्या करता है वर गिवन उसको दिया गया वर गिवेन है यानी पैसिव है बी प्लस है हर एम्प्लॉय को दिया गया क्या दिया गया

वो कैसा होता है ऑलवेज सिंगुलर है ना हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा अगर आपको पोजेसिव यूज करना है यहाँ पर तो आपका पोजेसिव शुड ऑल्सो भी सिंगुलर राइट सिंगुलर होना चाहिए ये सब कुछ यहाँ पर क्या कर रखा है यहाँ पर वर दे रखा है तो वर इज रॉन्ग क्योंकि इनमें से कोई हमारा सब्जेक्ट है तो इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर लगता है पोजेसिव भी सिंगुलर लगता है पोजेसिव इसमें नहीं आया है पर वर्ब आया एवरी के साथ एम्प्लॉय के साथ जो हमारा वर्ब होगा वो वाज होना चाहिए तो कुल मिला के एरर बी पार्ट में है और यहाँ पर बी पार्ट में एरर राइट आंसर है ठीक है चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे द स्ट्रीट आर्टिस्ट सतीश मुंजाल हैज बीन पेंटिंग दिस वॉल सिंस द पास्ट वन वीक द स्ट्रीट आर्टिस्ट स्ट्रीट आर्टिस्ट जो है कौन से स्ट्रीट आर्टिस्ट सतीश मुंजाल Has been, वो पेंट कर रहे हैं इस वॉल को कब से सिंस द पास्ट वन वीक पिछले एक वीक से वो ये कर रहे हैं राइट right? वो आपको क्या कर रहे हैं पेंट कर रहे वॉल को पेंट कर रहे राइट द स्ट्रीट आर्टिस्ट सतीश मुंजाल हैज हैजबिन पेंटिंग दिस वॉल अब स्ट्रीट आर्टिस्ट है यहाँ पर ये यह हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रीट आर्टिस्ट ये सब्जेक्ट है ये हमारा क्या है इसी को डिफाइन किया गया है तो सतीश मुंजाल यहां पर क्या है सतीश मुंजाल नाउन का एक कॉन्सेप्ट होता है नाउन ऑफ अपोजिशन जो नाउन स्टार्टिंग में दिया गया है जैसे आर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी तो आर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जब नाम दे दिया गया दे दिया या फिर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह या मनमोहन सिंह द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चाहे पहले दे चाहे बाद में दे ये क्या होता है नाउन ऑफ अपोजिशन कहलाता

अब ड्यूरेशन के लिए हमें क्या यूज करना होता है कभी भी सिंस नहीं आता है सिंस सिंस पीरियड के लिए नहीं आता है। सिंस आता है है पॉइंट के लिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस आता है है और यहां पर आपको फॉर यूज करना है क्योंकि जो कॉन्सेप्ट रिपीट होगा ना गाइस उसको इतने डिटेल में नहीं समझाऊंगी पीरियड ऑफ टाइम तो यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ वन वीक एक सप्ताह तो आपको सिंस उड़ाना है फॉर लगाना है और सी में आर एर निकालना और आगे बढ़ जाना है सो यह वी गो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है अब आई नो दॉबलर मैं उस कॉबलर को जानती हूँ कौन से कॉबलर को विच उस कॉबलर को जानती हूँ विच मीन द शूज आउटसाइड द गेट ऑफ आर कॉलोनी जो हमारे कॉलोनी के आउट साइड में यानी बाहर में क्या करता है क्या करता है मेंड करता शूज को मेंड करना यानी रिपेयर करना रिपेयर का सुनाने में मेंट करना अमेंड वर्ब होता है अमेंड भी होता है इसका अमेंडमेंट नाउन निकलता है रिपेयर करता है उसको शूज को आई नो द कॉबलर मैं कॉबलर को जानती हूँ विच मेन्स द शूज आउटसाइड द गेट ऑफ आर कॉलोनी सही आंसर है क्या आएगा हाँ ए है राइट आंसर विच हटा देंगे क्योंकि कॉबलर हमारा ह्यूमन है और ह्यूमन के लिए हम लोग हु या होम का यूज करते हैं Whom जो होता है वो अपने साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेता है और जो होता है, अपने साथ सामने ही रहा। we'll we'll जब हम टॉप पे पहुंच जाएंगे यानी कि अपेक्स पे पहुंच जाएंगे यानी कि सुप्रीम पे पहुंच जाएंगे सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे पिनाकल पे पहुंच जाएंगे है ना तब हम लोग क्या करेंगे रेस्ट करेंगे आंसर आंसर बताइए, बताइए। थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट करेंगे ऐसा होगा कब जैसे ही ऐसा हो जाता है, है ना ऐसा होता है तो ऐसा होगा ऐसा नहीं होता है, तो ऐसा नहीं होगा ये बोला गया राइट तो ये कंडीशन है अनलेस से भी कंडीशन लगता है इफ से, से भी लगता है सपोज वगैरह से भी लगता है तो राइट right आंसर क्या होगा कंडीशन यहाँ पर क्योंकि लगा हुआ है यहाँ पर फ्यूचर सिंपल हमें दिया हुआ है तो जब हमारा कंजंक्शन वाला कंडीशनल वाला पार्ट होता है ना कंडीशनल कंजंक्शन जिस स्लाइड में लगा जिस लाइन में लगा हुआ है वहां पर हमें फ्यूचर नहीं लगाना होता है तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए प्रेजेंट सिंपल लगना चाहिए बस फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग सेकेंड पार्ट को हम लोग चेंज करेंगे तो राइट right आंसर क्या हो जाएगा राइट right आंसर हमारा ये हो जाएगा वी विल रीच द टॉप राइट आंसर सी विल हटा देंगे और वी रीच द टॉप आ जाएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा

इको सिस्टम जो इसके इको सिस्टम को प्रभावित कर रही है आंसर बताइए बताइए जो इसके इको सिस्टम को प्रभावित कर रही है द रिवर यमुना हैज मेनी नॉन नेटिव स्पीशीज लाइक गोल्डफिश बहुत सारे नॉन नेटिव स्पीशीज हैं जैसे कि गोल्ड फिश राइट अब हम गोल्ड फिश यहाँ पर सिंगुलर है या प्लुरल है ये बताइए गोल्ड फिश यहाँ पर सिंगुलर है या प्लुरल है ये बताइएगा तो द नेटिव स्पीशीज लाइक गोल्ड फिश अब गोल्ड फिश यहाँ पर है यहाँ पर जो आता है वो हमेशा इसका जो होता है वो हमेशा इसके अकॉर्डिंग आ रहा है अब गोल्ड फिश यहाँ पर नाम है स्पीशीज लाइक गोल्ड फिश कौन सी स्पीशीज जैसे कि गोल्ड फिश विश? विच विच आएगा नॉन यहाँ पर सबसे पहले विच लगाएंगे क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है जिसके कारण हमें दैट लगाना पड़े विच आर अफेक्टिंग इट्स इट्स किसके लिए आए रिवर के लिए है सो इट्स इज राइट देर नहीं आएगा है ना इको सिस्टम किसका प्रभावित हो रहा है यमुना नदी का तो विच आएगा विच, आएगा? विच आर अफेक्टिंग बहुत सारी स्पीशीज लाइक गोल्ड फिश यहां पर सब्जेक्ट हमारा स्पीशीज है स्पीशीज के अकॉर्डिंग ये ये लगा देखो एक सेकेंड सी बहुत सारी नॉन नेटिव स्पीशीज हैं विच आर जो कि अफेक्ट कर रहे हैं इफेक्ट डाल रहे हैं किस पर विच आर इसके अकॉर्डिंग है तो विच आर आएगा गोल्ड फिश नहीं गोल्ड फिश तो एग्जाम्पल है सो द राइट आंसर इज दिस ओके पार्ट में आपके एरर होगा ये वाला पार्ट जो है आपका चेंज होगा इसमें ये वाला पार्ट आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, ये रहा आपका शी फोट वो भूल गई क्या लॉक करना लॉक द डोर शी वेंट आउट इना हरी वो भूल गई लॉक द डोर दरवाजे को लॉक करना वन शी वेंट आउट इना हरी जब वो बाहर गई हरी में ठीक है जब वो बाहर गई हरी में तो वो भूल गई नेक्स्ट वन She forgot वो भूल गई अब देखिएगा चीजें फॉरगेट जो होता है ना रिमेंबर की तरह अपने साथ दो ये लेता है forget प्लस, infinitive, और दोनों लेता है। अगर हम फॉरगेट प्लस इंफिनेटिव लगाते हैं यानी कि फॉरगेट प्लस टू प्लस टू लॉक है ना। अगर हम लिखते हैं, तो हम यहाँ पर सेंस क्या आएगा एक्शन जो भी एक्शन जैसे लॉक है तो वो लॉक करना भूल गई इसका सेंस होगा लॉक करना भूल गई पूरा कॉन्सेप्ट समझ के फिर आंसर देना जल्दबाजी में मत देना दूसरा हमारा फॉरगेट प्लस जेरेंड है कि फॉरगेट लॉकिंग द डोर जेरेंड यही होगा आईएनजी वाला इसका मतलब क्या है जो एक्शन है लॉक करना वाला एक्शन है उस एक्शन को भूल गई एक्शन या, या नहीं या नहीं यही भूल गई उसको याद ही नहीं आ रहा है कि उसने लॉक लगाया है या नहीं लगाया है तो ये डिफरेंस है फॉरगेट लॉकिंग और फॉगेट टू लॉक में ये डिफरेंस है अगर वो आप लिखते हो लॉक तो इसका मतलब है वो लॉक लगाना भूल गई अगर आप लिखते हो फॉरगॉट लॉकिंग तो इसका मतलब है उसने लॉक लगाया या नहीं लगाया वो ये भूल गई राइट अब आप She went out in a hurry, जब वो हरी में निकली तो वो दरवाजे पे लॉक लगाना भूल गई ये ज्यादा अच्छा लग रहा है ठीक है अच्छा लग रहा है इसलिए हम प्रेफर इसको कर लेंगे फॉर लॉकिंग द डोर की जगह फॉरगॉट टू लॉक द डोर सो ए पार्ट में आ रहा है राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने ही रहा लोधी कॉलोनी इन दिल्ली इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस इन सिटी। लोधी कॉलोनी जो है कहां पर दिल्ली में इन प्रेपोजिशन है साथ फ्रॉम ले लेता है जब समथिंग हो डिट अपने साथ विद ले लेता है जब somebody हो ध्यान रखिएगा फ्रॉम है. है, लगा लिया आगे बढ़ेंगे यहाँ पर डिफरेंट विद अदर प्लेज इन दिटी दूसरे जगह जो है सिटी में उनसे बिल्कुल डिफरेंट है दैट इज क्राउडेड एंड नॉइजी जो क्राउडेड है और नॉइजी है इन हमारा प्रेपोजिशन ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट फ्रॉम तो हमारा प्रेपोजिशन ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ठीक है कि ध्यान रखते चलिएगा सेंटेंस में प्रेपोजिशन के बाद नाउन आएगा ही आएगा अदरवाइज वो गलत है सो हियर इट इज दैट इज क्राउडेड एंड नॉइजी

तो स्प्लैश कर रहा था किस पे वॉल पे किससे कलर से जापानीज आर्टिस्ट यो नगाओ ये क्या है ये नाउन है हमारा और ये नाउन का अपोजिशन नाउन ऑफ अपोजिशन अभी बताया था मैंने आपको आगे ये सब्जेक्ट है ही वाज बिजी बिजी के साथ जो होता है दो चीजें होती है या तो आप बिजी इन प्लस जारेन्ट कर दो तो भी सही होता है और अगर आप बिजी के साथ सिर्फ जारेन्ट लगा दो तो भी सही होता है ये दोनों चीज है ठीक है तो यहाँ पर बिजी इन भी दिया हुआ है बिजी दिया हुआ है तो बिजी जैर दिया हुआ दोनों सही है तो किससे कलर से किससे कर रहा था कलर से तो आप फ्रॉम हटाओ विद लगाओ आंसर पाओ आगे बढ़ जाओगे ठीक है स्प्लैशिंग कर रहा था वॉल को किससे कलर से तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये चलिए विद आ गया आंसर हो गया अगला वाला क्वेश्चन क्या इट इज द डून वैली विद ऑल इट्स लाइट लुक ब्यूटिफुल एट नाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन देखो ये क्वेश्चन है ना इसके टुकड़े करते हैं एक बार सेग्रीगेशन ग्रामर आता है आंसर्स भी आप लोग कर लोगे पर थोड़ा सा एक बार इसको तोड़ते हैं ठीक है देखो द डून वैली ये हमारा सब्जेक्ट है डून वैली की यहाँ पे बात कर रहे हैं विद प्रेपोजिशन

कि पूरा जो क्वेश्चन होता है हर एक क्वेश्चन उसमें क्या होता है हर क्वेश्चन में प्रन और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए एक्चुअली मैं फ्लो में पढ़ा रही आप लोगों को आंसर्स ऑलमोस्ट मिल रहे हैं तो दिक्कत नहीं लेकिन जिस क्वेश्चन में अटक जाओगे ना उस क्वेश्चन में आपको ये देखना बहुत जरूरी है ठीक है तो ये ध्यान में रहना चाहिए अब आइए डून वैली जो है वो हमारा सब्जेक्ट है सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है यहाँ पर क्या है वर्ब दे दिया गया है प्लुरल तो वर्ब में आप एस लगा दोगे सिंगुलर कैसे बनता है एस लगाने से तो लुक में एस लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा इज इट राइट हाँ सबका चलिए तो यहाँ पर हमने 16 अभी तक कर लिए सेवनटीन पे आ गए हैं 17 आपको आ जाएगा बहुत इजीली ये क्या है ये है मैच के बारे में इफ सो मेनी कैचे ड्रॉप्ड अगर इतने सारे कैचेस नहीं ड्रॉप होते इतने सारे कैचेस ड्रॉप नहीं होते कर नहीं रहा है कोई ड्रॉप नहीं होते वी वुड हैव द मैच हम आसानी से मैच जीत जाते ये बोला गया है जैसे कि अगर इतने सारे स्टूडेंट्स ने सेशन को लाइक like किया होता शेयर किया होता तो हम आसानी से बहुत बड़े नंबर्स अचीव कर पाते हैं बट क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है इसलिए हम बहुत दूर तक अभी नहीं पहुंचे हैं और भैया लाइक like नहीं करते तो आपको पता है क्यों आप पाप के भागी बन रहे हैं? मैंने आपको उस दिन भी बोला था दो मिनट जाके लाइक like करके आओ जल्दी से एक थम्स है उसको बस थम्स को अप करना है जल्दी से करके आओ लाइक like कर दो बहुत सारे लोगों ने देखो उस दिन भी ऐसा ही हुआ था जैसे ही मैंने बोला पाप लगेगा तो फटाफट से 50 लोगों ने लाइक किया था जल्दी से नंबर अपने पाप बढ़ा कम करो भाई कम करो बढ़ा क्यों रहे हो पता है आपको कहाँ कहाँ आप लोग वैसे ही बहुत सारी गलतियां हम लोग करते रहते हैं ये वो जगह है जहाँ आप गलतियों को अवॉइड कर सकते हैं है ना रोक सकते हैं बाप करने से जल्दी से क्विकली चलो सो हियर वी गो रोक दो इसको जल्दी से देखो नंबर बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे लोगों ने अपने आप को रोका बाप करने से जल्दी बताओ जल्दी रोको जल्दी रोको जल्दी रोको लेट सी मैं नंबर बताऊंगी कितने लास्ट में करें तब तक एक क्वेश्चन पढ़ बोले थे हाँ शुरुआत में शुरुआत में, में इफारा है यानी कि कंडीशनल है अब कंडीशनल है इफ में आपको क्या दिखाई दे रहा है हार्ड प्लस वर्ब थर्ड दिखाई दे रहा है ओके यहाँ पर हार्ड प्लस वर्ब थर्ड दिखाई दे रहा है

आगे बढ़ जाओ बस इतना करना है तो इस पार्ट में आ रहा रहेगा बीन लगाना है, आराम से। आपके सामने ये रहा। है नहीं पर विजिबल हो रहा है हालांकि 50 लोगों ने बहुत जल्दी से लाइक कर दिया तो जल्दी से भी जिसने नहीं किया कर दीजिएगा आइए आगे बढ़ते ईच ऑफ द गर्ल्स ये कॉन्सेप्ट बता चुकी हैं तो मैं वेट करूंगी आंसर्स का कि आप लोग इसमें आंसर्स बता दें ईच ऑफ द गर्ल्स आ रहा है यहाँ पर ऑफ आ रहा है है ना प्रेपोजिशन ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट अब ईच के बाद क्योंकि कोई नाउन नहीं है तो ईच हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है ये हमारा सब्जेक्ट है वर्फ कौन सा आएगा ईच ऑफ द गर्ल्स के बाद वर्फ कौन सा आएगा हाफ की जगह पर हैज का यूज करेंगे बिल्कुल सही सब लोगों ने हैज बता दिया एकदम सही क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है वर्फ सिंगुलर होगा और अगर ऑब्जेक्ट या फिर पोजेसिव होता तो वो सब भी सिंगुलर होता ठीक है हाँ

इसको सॉल्व किया जा सकता है इफ वन आर नॉट रिजिड अनलेस लिखा हुआ है अब अनलेस मतलब क्या हो जब तक कि नहीं ठीक है अनलेस का मतलब ही नहीं होता जब तक कि नहीं तो अब अनलेस में हमें नॉट नहीं लगाना पड़ता तो ये हमारी गलती दिख रही है अब वन हमारा सब्जेक्ट है तो वन इज रिजिड प्रॉब्लम को परेशानी को समस्या को बहुत आसानी से बहुत प्यार से झगड़े को सुलझाया जा सकता अनलेस वन जब तक की कोई रिजिड ना हो ना यहाँ पर है इसलिए एक और ना नहीं लगाएंगे वन वहां पर दिया हुआ है और वन के साथ हम इज लगा देंगे राइट आंसर हमारा आ जाएगा ठीक है हाँ नॉट नहीं लगेगा अनलेस के साथ बिल्कुल सही बात है और वन के साथ हमें आर भी तो लगाना गलत हो जाएगा ना तो सी कुल मिला के राइट right आंसर अगला क्वेश्चन नंबर में से आप अपने आपके मार्क्स बता देना जल्दी से आगे बढ़ते इन द नॉर्दर्न सब बेंगलुरु बेंगलुरु के नॉर्दर्न सब विच इज होम टू द बल्क ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री द वॉटर क्राइसिस इज इवन वर्स्ट वॉटर प्राइसिस जो है वो इवन वर्स्ट है इन द नॉर्दर्न सबर्ब्स ऑफ बेंगलुरु बेंगलुरु के नॉर्दर्न सबर्ब्स पे कौन सा नॉर्दर्न सबर्ब इज क्या होता को उड़ा दिया जाता है और उसको फ्रेज बना दिया जाता है क्लॉज से तो विच इज होम जो कि घर है किसका टू द बल्क ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ठीक है बल्क ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बल्क बल्क मतलब क्या होता है बेटा जी ढेर है जो कि ढेर है किसका ढेर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का या इंडस्ट्रीज का इंडस्ट्रीज का ढेर है ना वहाँ पे जमे हुए बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ हैं ये बोला जा रहा है हिंदी में हम ऐसे बोलते हैं जैसे इंडस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं uh, कारखाने शायद है ना तो कारखाने बहुत सारे इंडस्ट्री है यानी एग्जैक्ट वर्ड मुझे शायद नहीं आ रहा है इंडस्ट्री आपको पता है इंडस्ट्री बोलते हैं जनरली हम लोग तो वर्क ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज उद्योग क्षेत्र कुछ ऐसा बोला जाता है तो इंडस्ट्रीज़ है वाटर क्राइसिस इज इवन वर्स्ट वाटर क्राइसिस जो है इवन वर्स्ट है हालांकि इंडस्ट्रीज ही आएगा बिल्कुल सही हालांकि वो वो ढेर वहां पे ढेर लगा हुआ है इंडस्ट्रीज का फिर भी वहां पे जो वाटर क्राइसिस है वो ज्यादा है है ना है ना तो यहाँ पर क्या वाटर क्राइसिस इज इवन वर्स्ट की जगह जब कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग तो कंपैरेटिव डिग्री ये क्या है इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है इनडायरेक्ट उद्योग उद्योग थैंक यू सो मच तो उद्योग है नॉर्दर्न सबब ऑफ बेंगलुरु बेंगलुरु जो नॉर्दर्न सबब है जो कि हब हाँ है एक्चुअली किसका बहुत सारे टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का यहाँ पर वाटर क्राइसिस और भी ज़्यादा ख़राब है कंपैरिजन हो रहा है इंडायरेक्ट जब इसमें दिया नहीं जाता है उसको इनडायरेक्ट कंपैरिजन बोलते हैं कि किससे तुलना की जा रही है जेंडर बोला जा रहा है कि तो हब हाँ है यहाँ पर तो सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए पर यहाँ पर और बदतर हालत है समझ गए ये बोला गया है से कौन से क्वेश्चन में डाउट है कैसा लग रहा है ज्यादा करना है कम करना है स्पीड बढ़ानी है मैं स्पीड बहुत आराम से बढ़ा सकती हूँ पर इतना एक्सप्लेनेशन फिर नहीं हो पाएगा जो कि आप बाद में भी देखते हो तो इम्पोर्टेंट आप लोगों को लगता है क्योंकि चीजें आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से समझनी होती है मैक्सिमम सी ही आंसर है क्या मुझे तो ये बिल्कुल नहीं पता मैं नहीं देखती हूँ ऐसे इस तरीके से कि सी आंसर है क्या कभी नहीं देखती हूँ ऐसे पर आप लोग भी ऐसे ना देखें ठीक है हाँ चलिए सेवनटीन नाइनटीन दिखाई दे रहे हैं एटीन भी दिखाई दे रहे ट्वेंटी ऑन ट्वेंटी किसके आए हैं देखो बीस में से सेवनटीन मार्क्स आ रहे हैं यानी इनमें से कुछ क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप गलत कर आते हो इसलिए ये ग्रामर का देखो आप लोगों ने अगर प्रेपरेशन नोटबुक बना रखी है तो प्लीज प्रेपरेशन नोटबुक में वो क्वेश्चन नंबर जरूर नोट कर लें जो आप गलत करते हो यहाँ पर गलत कर रहे हो या जिसके कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है या तो वो क्वेश्चन नंबर नोट कर लीजिए या अगर आपके पास टाइम है तो कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए या फिर बाद में कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिएगा ताकि जिस दिन एग्जाम हो ना उसके एक दिन पहले प्रिपरेशन नोटबुक को रिवाइज कर लें ये ये वो ये वो पुलिंदा होता है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा मदद करता है प्रिपरेशन नोटबुक क्या होता है जिसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट चीजें डाल देते हैं ठीक है आइए ये तो बहुत आराम से कर लोगे नो सूनर दिया हुआ है इसमें तो फायदा ही फायदा है नो सूनर हमें अगर दिया हुआ है स्टार्टिंग में नो दिया हुआ है तो दो कॉन्सेप्ट फॉलो करता है एक इन्वर्जन ठीक है दूसरा कॉन्सेप्ट क्या फॉलो होता है पेयर दोनों में देखना होता है सॉरी पेयर लिखना था इनवर्जन क्या होता है हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में और मेन वर्ब और भी बाद में तो ये हमारा है, ये हमारा हमारा हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट है ये हमारा इन्वर्जन यहाँ पर पूरा हो रहा है इन्वर्जन एकदम सही है हेल्पिंग वर्ब वर्ब प्लस प्लस सब्जेक्ट मेन का जो फॉर्मूला है वो पूरा हो रहा है ठीक है इन्वर्जन ठीक है अब चलेंगे पेयर पे नो no सुनर में ई आर आ रहा है ई आर आ रहा है यानी कि Comparison हो रहा और कंपेरिजन हो रहा है तो पेयर किसका होना चाहिए हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में ध्यान लगता है तो हमें ध्यान लगाना था वेन हटाओ देन लगाओ लो आपका सी जो है पर गलत हो गया बी इज द राइट आंसर ओके सबने कर लिया बहुत अच्छे से अगला क्वेश्चन इट इज द मैच इज अबाउट टू बिगिन मैच इज अबाउट टू बिगिन मैच इज लाइकली टू बिगिन मैच इज गोइंग टू बिगिन

ये एज वेल एज को तोड़ोगे ना बेटा जी ये एज ये वाला एडवर्ब होता है ये वाला एडजेक्टिव या एडवर्ब कुछ भी हो सकता है ठीक है कुछ भी हो सकता है ये वाला एज हमेशा प्रीपोजिशन होता है ठीक है इसलिए इस वाले के बाद जो आता है नाउन ये हमेशा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है इसलिए इसलिए जो हमारा वर्ब होता है ना वो हमेशा इस वाले के अकॉर्डिंग आएगा ये हमारा सिंगुलर है ये हमेशा सिंगुलर ही आएगा इज लगाओ आंसर पाओ सी फिर से एक बार विन बन गया यहां पे तो सी इसका राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए तो ये यहां पर सी हो गया राइट right आंसर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन सुप्रिया आक्स किरण सुप्रिया ने किरण से पूछा क्या

नहीं लगेगा डब्ल्यू एच के पहले आपको दैट नहीं लगाना है ठीक है तो डब्ल्यू एच के पहले से दैट और ये प्रशन फ्रेज है शुरुआत में लास्ट में कहीं भी लग सकता था रास्ते में ही वॉज बाइटेड ऑन टो उसको बाइट कर लिया गया टो पे है ना टो मतलब पैरों की सारी उंगलियों को टो ही कहा जाता है फिंगर्स नहीं बोला जाता तो पैरों की उंगलियों पर उसको बाइट कर लिया गया किसके द्वारा फर्स्ट फॉर्म होता है बिट इसका सेकेंड फॉर्म होता है और बिटन इसका थर्ड फॉर्म होता है क्वेश्चन है केवल वफ फॉर्म तो बिटन लगाओगे बाइटेड उड़ा दोगे राइट आंसर आपका बी फॉर्म में इसमें आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा नी राइस लेफ्ट इन द हाउस घर में बहुत ज्यादा राइस बचा नहीं है सो इसलिए वी मस्ट रिप्लान सुन हमें रिप्लानिश कर लेना चाहिए हमारे स्टॉक को सुन जल्दी से रिप्लानिश का सुनौनी बता दो क्विकली पढ़ के समझ के आंसर दो क्वेश्चन मार्क हेड कहा आ रहा था हेड नहीं आ रहा था देखिए तो पॉइजनस इसने क्यों गलत नहीं होता पॉइजन से भरा हुआ टॉक्सिक सही है भी भी बोल सकते हैं तो होता है है अच्छा ये गलती दो में बोनस का क्वेश्चन होगा बेटा ये है ना हाँ वेयर पहले दे दिया गया है वेयर हर मदर हैड गॉन एक्चुअली मेरे माइंड में आया भी था फिर मैंने ध्यान ही नहीं दिया दैट को देखने लग गई हर मदर हैड गॉन दो पार्ट में आ है इसमें ठीक है क्योंकि आगे बेटा देखो पास्ट है यहाँ पे भी दैट लगा हुआ है यानी कि कनेक्टर लगा हुआ है तो यानी कि ये क्या है चेंज किया गया है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया गया है तो इसमें क्या हुआ दोनों पार्ट में एरर हो गया ए में एरर है ही है और बी में भी एरर है तो ए में आपको दैट हटाना ये एरर बी में आपको ये हटाना ये एरर दोनों पार्ट में एरर है ये बोनस मिलेगा दोनों ही पार्ट ऐसे है, जिसमें आपको गलतियां एकदम ऐसी गलतियां हैं जो आप अवॉइड नहीं कर सकते तो राइट आंसर ए और बी दोनों होगा दोनों में यहाँ पर गलतियां दिखाई दे रही है ठीक है अनकाउंटेबल हाँ, के साथ मैनी गलत होता है मच लगाएंगे आंसर आपका आ जाएगा मच प्लस अनकाउंटेबल नाउन होता है तो राइस है, आएगा, rice, राइट है। अगला वाला क्वेश्चन ये रहा लाइक like पे थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा आप सभी और जब भी आप मुझे रिकॉर्डेड देखे है ना नहीं स्केरसिटी नहीं होगा जब भी आप मुझे रिकॉर्डेड देखे तो आप मुझे जरूर जरूर से बता दें है ना कि आप को सेशन कैसा लगा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा सेशन को और सभी से रिक्वेस्ट है जितने सेशंस इन दिनों में करवा रही हूँ 18 से 22 के सीजल के प्रीवियस ईयर सब को रिविजन करना ज़रूरी है चाहे आप टू एक्स पे रिविजन करो पर आप सबको रिविजन ज़रूर कर लीजिएगा इससे बाहर कुछ नहीं आता है हंड्रेड बोल रही हूँ मैं तो आपको बहुत अच्छे से रिविजन का करना ज़रूरी है इतना तो मान के चलो आप आइए अगला क्वेश्चन आ गया टेन किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस एक्चुअली मैंने आप लोगों का आंसर देख लीजिए देख लिया जब यहां पे जब यहाँ पे अमाउंट की दूरी की डिस्टेंस की यूनिट के रूप में बात हो रही होती है तो हम आर नहीं लगाते हैं इसलिए आर उड़ाएंगे इज लगाएंगे राइट आंसर आ जाएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने माई फादर डिसवेडेड मी मेरे पिताजी ने मुझे डिसवेड कर दिया रोक दिया टू ट्राई फॉर अ जॉब एक जॉब के लिए ट्राई करने से मुझे उन्होंने डिसवेड कर दिया रोक दिया एज ही वॉन्टेड

इन सबके साथ क्या लगता है प्लस में फ्रॉम और फ्रॉम अपने साथ क्या लेता है जेरन लेता है आपको ये चीज मैंने शायद कल परसों भी बताई होगी पिछले क्लासेस में तो आपको यहाँ पे टू ट्राई जो दिया हुआ है ना इस टू ट्राई को हटा के फ्रॉम ट्राइंग करना है उन्होंने कर दिया, रोक दिया फ्रॉम ट्राइंग है तो ट्राइंग आ जाएगा ठीक है फ्रॉम ट्राइंग राइट आंसर टू ट्राई की जगह बी इसका राइट आंसर होगा सबका सही

वो रिवील करती है उसका अट्रैक्टिवनेस अट्रैक्टिवनेस आकर्षण फॉर फीमेल फीमेल चलो की तरफ जो उसका अट्रैक्शन है उसकी टेल जो बड़ी होती जाती है उससे पता चल जाता है कि ही इज गोइंग टू बी अट्रैक्टेड पर क्या लगेगा लेंथ हमारा सब्जेक्ट है इसलिए वहां सिंगुलर आएगा रिवील्स हिस की जगह आप इट्स भी लगा सकते हो क्योंकि दोनों एक ही पार्ट में है नॉन ह्यूमन के लिए हम हिस का यूज जनरली नहीं करते हैं अगला क्वेश्चन द चाइल्ड अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ में तो कैसे बोला जाता है जब अलॉन्ग टुगेदर विद आ रहा है बट नॉट आ रहा है, है नॉट बट आ रहा है ये सब करके अगर बोला जाता है तो हमारा जो हिंदी होता है वो कैसे स्टार्ट हुआ अपने पेरेंट्स के साथ में चाइल्ड जो है वो वेट कर रहा था तब जाके चाइल्ड का हम लोग वर्ब यहाँ पर यूज करेंगे तो चाइल्ड हमारा वर्ब है ये हमारा प्रपोजिशन यहाँ पर सिंपल सा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है बहुत ज्यादा पूछा जाता है देख रहे हो आप लोग बार बार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि स्टूडेंट्स लगातार बढ़ते हैं पर लाइक like लगातार क्यों नहीं बढ़ते हैं भूल जाते हो आप लोग चलिए अगला वाला हालांकि वो बहुत ज्यादा पैसा अर्न नहीं करता है वो और ज्यादा स्मार्ट है अपने ब्रदर से है ना ही इज मोर स्मार्टर देन अभी जो मोर स्मार्टर देन है इसको अगर हम लोग लगाएंगे तो मोर और स्मार्टर स्मार्ट जो हमारा एडजेक्टिव है वो एक ऐसा एडजेक्टिव है जो एक बार में बोला जाता है सिंगल सिलेबल वाला एडजेक्टिव है सिंगल सिलेबल में हम लोग क्या करते हैं ई e आर लगा देते हैं ई आर लगा दिया देन लगा दिया यहाँ पर हमारा कंपेरेटिव डिग्री कंप्लीट हो गया अगर आप यहाँ पर मोर लगा दोगे तो जब ई e आर आपने लगा दिया तो मोर आप सुपरफ्लुस हो जाता है मोर लगाओगे या यार? पर यहां पे चॉइस नहीं होती कि दोनों में से कोई एक लगा दो अगर एडजेक्टिव है. है, 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 है तो इसमें अगर आप मोर लगाओगे तो गलत होगा हमेशा तो आप स्मार्टर को रहने दो मोर को हटा दो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों का राजा रवि वर्मा वॉज वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट

वो तो द लग गया नाउन जो है वो प्लूरल आएगा दैट्स इट पहले ही हम इसको कर चुके हैं अगला वाला क्वेश्चन नॉट कंप्लाइंग बाय एनी ऑफ द लॉज कैन लैंड यू इनटू सीरियस ट्रबल्स अगर आप किसी भी रूल्स को कंप्लाई नहीं करते हो तो वो आपको बहुत ज्यादा ट्रबल में ला सकता है राइट नॉट कंप्लाइंग अब एक होता है अबाइड बाय राइट अबाइड बाय रूल को फॉलो करना adhere to रूल को फॉलो करना कंप्लाय भी रूल को फॉलो करना होता है पर कंप्लाय अपने साथ क्या लेता है कंप्लाई वाई या कंप्लाई टू या कंप्लाई विद क्या लेता है या कंप्लाई एट कंप्लाई ऑन क्या लेता है अपने साथ बस आपको वो करना है यहाँ पर कंप्लाई अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन लेता है जो कि एट या ऑन या बाय नहीं होता है कंप्लाई विद टू अवॉइड बाय इन सबका मीनिंग सेम सेंस होता है नॉट इन सबका मतलब क्या होता है फॉलो करना किसको? किसी भी लॉज में से किसी को भी फॉलो ना करना वो आपको लैंड कर सकता है कैन हमारा मॉडल है फर्स्ट ही तो लेगा, में लगा रहे आप गलत कर रहे तो विद right अगला वाला क्वेश्चन होमवर्क यू विल बी पनिश्ड ने कहा जब तक तुम अपना होमवर्क पूरा नहीं करोगे तुम्हें पनिश किया जाएगा जब तक अपना होमवर्क नहीं करते तब तक आपको पनिश किया जाएगा पर यहाँ क्या बोल रहा है जब तक आप अपना होमवर्क नहीं फिनिश करते हो आपको पनिश किया जाता रहेगा सेंस बताओ तो अनलेस यू डिडेंट की जगह आपको सबसे पहले तो नॉट हटाना जब जब हमें नॉट हटाना होता है हमें डू डिट डज भी हटाना होता है क्योंकि डू डिट डज हमेशा या तो नेगेटिव या इंटारोगेटिव में आता है अगर यहाँ पर हाँ जी हाँ जी उसी वर्ड के साथ ही एरर होगा उसी वर्ड के साथ ही एरर होगा अब अनलेस आ रहा है डि नॉट गलत है पर यहाँ पर इफ भी आएगा देखो अनलेस का मतलब जब तक कि नहीं होता है तो जब तक कि आप अपना होमवर्क नहीं करते हो ये होगा या फिर इफ़ यू डू नॉट डू योर होमवर्क ये भी हो सकता है मुझे लगता है हम इसमें कैसे करेंगे इसमें आप कैसे करो आप बहुत सिंपल से काम करो अब अनलेस यू डिट की जगह आप लगाओ इफ यू डू नॉट डू योर होमवर्क अगर आप अपना होमवर्क नहीं करते हैं, आपको पनिश किया जाएगा इफ कंडीशनल दूसरे वाले में फ्यूचर सिंपल लगा हुआ है यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल भी लगेगा ठीक है तो ये सिर्फ इसका खेस नहीं है कि आप अनलेस के साथ डिड नॉट हटा दो गलत हो जाएगा ठीक है सो द राइट आंसर इज इफ़ यू डू नॉट वो कैबलरी ऑलरेडी कराया हुआ है, है प्लीज़ देख लीजिए ठीक है ऑलरेडी कराया हुआ प्लीज़ जो लोग यहाँ पर हैं आंसर करें इन लोगों को ताकि इनके आंसर्स मिलते रहे जो भी मॉडरेटर्स है प्लीज आंसर करिए हाँ इफ़ यू डू नॉट डू योर होमवर्क यू विल भी पनिश्ड अब ये सही है आप अनलेस लगाओगे ये गलत हो जाएगा हमेशा ध्यान रखिएगा ठीक है अनलेस लगाओगे गलत हो जाएगा अगला वाला क्वेश्चन द रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ड्यू टू एन इंक्रीज इन सब्सिडीज ऑफर बाय द गवर्नमेंट इज ऑल्सो सीन एज अ रीज़न टू गेट मोर एजुकेटेड हाँ जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफिकल्ट बताइए राइट आंसर द रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन रिडक्शन कमी किसमें एजुकेशन की कॉस्ट में कमी ड्यू टू एन इंक्रीज एक इंक्रीज के कारण एक बढ़त के कारण किसमें सब्सिडीज में सब्सिडी अब पढ़ो इसको ये प्रपोजिशन ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये प्रपोजिशन ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये प्रपोजिशन ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये प्रपोजिशन ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट अब ये क्या है ये हमारा वो है तो पढ़ो इसको एजुकेशन की कॉस्ट में कमी एक इंक्रीज के कारण सब्सिडीज में एक इंक्रीज के कारण एजुकेशन uh, की कॉस्ट में जो कमी है कौन सी कमी विच इज की विच इज

तो ये हमारा कंजंक्शन ऐसे होगा ये हमारा होगा क्लॉज जिसको कि फ्रेज में बदला गया फ्रेज में बदलते समय वी थ्री आता है है ठीक इज ऑफर्ड बाय ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ वर्ब हटा दो पर वी थ्री तो यहाँ रहेगा क्योंकि बी के बाद वी थ्री आता है अगर आपने वी थ्री हटा दिया तो ये गलत हो जाएगा हाँ अगला क्वेश्चन आपके सामने देर इज मैनी मोड्स ऑफ ट्रेवल टू गो टू आगरा आगरा जाने के वैसे तो बहुत सारे मोड्स है बट I prefer road travel, पर मैं prefer करती हूं क्या road travel, right? अच्छा देखो, by train, by bus, by plane, ये होता है by train, by bus, by plane, by car, ऐसे करके होता है है ना इसी तरीके से होता है रोड बाय रोड ट्रेवल करते हैं ना हम बाय एयर ये भी याद रखिएगा. बाय रोड बाय एयर ये भी होता है बाय वाटर ऐसे भी होता है चलिए तो देर इज मेनी मोड्स गलत हो गया देर हमारा कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है सब्जेक्ट हमारा नेक्स्ट नाउन होता है ये हमारा प्लूरल नाउन है तो हमारा वर्ब जो होगा वो प्लूरल होगा क्योंकि देर यहाँ पर एडवर्व का वो है इन्वर्जन है तो देर आ गया पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब अगर आता तो, तो इसकी जगह हमने आर लगाना है क्योंकि हमारा नाउन सिंगुलर नहीं है प्लूरल है अगला वाला Having just taking a heavy lunch, एक heavy lunch लेने के just बाद में क्या हुआ? वन वर्ड नहीं हुआ idioms है इियम्स हो गए हैं हो गए हैं ओके हैविंग जस्ट जस्ट टेकिंग हैवी लंच लंच लेने के बाद शी नॉट रेडी टू हैव एनी फ्रूट वो कोई फ्रूट खाने की इच्छुक नहीं थी क्योंकि अभी अभी उसने सब कुछ खा लिया था देर आर मेनी मोड्स हाँ बिल्कुल सही है तो so, हैविंग आ गया यहाँ पर हैविंग जब शुरुआत में आ जाता है ना तो देखो हैविंग प्लस वी थ्री एक तो इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हो आफ्टर जो भी एक्शन है आफ्टर टेकिंग यानी कि जैरेंड क्योंकि प्रेपोजिशन है तो जैरेंड आता है ठीक है या फिर आप लिख सकते हो सिंपल जेरेंड से टेकिंग जो भी आगे लिखा हुआ है वो सिंपल जैरेंड से ठीक है ये इन तीन तरीके से स्टार्ट हो सकता है देर आर थ्री वेज ऑफ राइटिंग वन एंड सेम थिंग क्या लिखने का सेंस क्या एक्शन करने के बाद ठीक है या 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 तो आप लिख लिख सकते हमारा लगा दो दो बीच में में कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों से भी हो जाएगा, ओके okay? पीडीएफ के बारे में ऊपर लिखा हुआ है पूरी जानकारी दी गई है पढ़ लीजिएगा ऊपर लाइन अगला वाला द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स राइजन

लेने के बाद वो रेडी नहीं थी शी क्योंकि नॉट रेडी पास्ट खाने के बाद लेने के वो रेडी नहीं थी ठीक है सेंटेंस कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है हाँ अब देखो बेटा are आर the gentlest ऑफ एनिमल्स Cows होती हैं, किसमें होती हैं? जेंटलिस्ट ऑफ एनिमल्स जेंटलिस्ट ऑफ एनिमल्स में से होती है सबसे जेंटल एनिमल्स में से काउस होती है जितना कि ये करती है, कहने का मतलब है. अब काउज लिखा हुआ noun हमारा plural है हमारा प्लुरल है राइट प्लुरल के अकॉर्डिंग प्लुरल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर प्लुरल लगाना होगा अब नन का है ना नन का अलग ही रहता है नन का कोई कहता है नन के साथ हमारा सिंगुलर आना चाहिए है ना कोई कहता है नन के साथ प्लूरल आना चाहिए कॉम्प्लिकेटेड है नन तो क्या होता है हमें क्या करना है नन ऑफ द अगर आता है ना जैसे एनी ऑफ द आता है उसी तरीके से नन ऑफ द अगर काउज होता ना तो यहाँ पर हम सिंगुलर ही लिखते हैं हमेशा है ना पर वहां पर भी प्रॉब्लम होता है कभी प्लूरल लगाते हैं कभी ऐसे लगाते हैं नन जब होता है ना बेटा तो हमें क्या करना होता है नाउन को देखना पड़ता है नाउन ना अगर प्लूरल है तो हमें वर्ब प्लुरल लेना पड़ेगा नाउन अगर सिंगुलर है तो हमें वर्ब सिंगुलर लेना पड़ेगा अब यहाँ पे काउस की बात हो रही है काउस जो है है एनिमल्स में से है, वो कभी भी कोई भी उतना शो नहीं करता जितना काउस करती है ठीक है तो नन शोज की जगह नन शो होना चाहिए इसमें मुझे एक और गलती बहुत ज्यादा नजर आ रही है अगर आपको प्रेपोजिशन पड़ा हुआ हो ध्यान से मुझे लगता है फर्स्ट पार्ट का एरर ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नन में तो दोनों चलता है सही होना चाहिए अमंग प्लस वॉवल सॉरी कॉन्सोट साउंडिंग नाउन और अमंग्स प्लस वॉवल साउंडिंग नाउन ठीक है तो यहां पर आपको अमंग और अमंग्स की गलती निकालनी चाहिए नन की गलती नहीं निकालनी चाहिए देख लीजिएगा एसएससी ने इसमें क्या दिया है मेरे हिसाब से नन ये हंड्रेड परसेंट करेक्ट हो सकता है क्योंकि नन दोनों लेता है तो नन में ये क्या बोल रहा है तो सबसे जेंटल एनिमल्स में से होते हैं कोई भी इतना नहीं स्टार्ट इतना नहीं प्स्टन होता जितनी काउ है तो यहाँ पर हम सिंगुलर लगा रहे हैं ये ठीक लग रहा है सेंस वाइज बट ये तो गलत है तो हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते तो मेरे हिसाब से ए इसका आंसर होना चाहिए चेक कर लीजिएगा एस एस सी ने क्या दिया है अगला क्वेश्चन आपके पास है यू मे लेफ्ट द क्लास वेन यू हैव कंप्लीटेड लेफ्ट कर सकते हो जब आपने कंप्लीट कर लिया है ठीक है अब मैं यहाँ पर मॉडल दे दिया गया है मॉडल के पास हमेशा वर्फस लगता है लेफ्ट का वर्फस लीव होता है बहुत आसानी सा क्वेश्चन है उड़ा दो इसको ए राइट आंसर अगला वाला ये रहा ऑल्दो देयर आर मोर देन हंड्रेड नोन एलिमेंट्स दे रेयरली अकर एट अ प्योर स्टेट हालांकि देयर आर मोर देन 100 नोन एलिमेंट्स सोस ज्यादा सो से ज्यादा नोन एलिमेंट्स होते हैं है ना

बॉयज okay, में से एक वन ऑफ आवर सब्जेक्ट यहां पर बस हैज़ लगाओ आराम से कर लोगे अगला क्वेश्चन आई कैन स्विम वेरी फास्ट पांच साल की थी तब की बात कर पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए हम लोग कुड का यूज करेंगे क्योंकि पास्ट की बात कराए यहाँ पर हम पास्ट एबिलिटी लगाएंगे अगला क्वेश्चन मॉडर्न मैन इज बिजी अक्वायरिंग मोर एंड मोर वेल्थ मॉडर्न मैन जो है वो बिजी है अक्वायर करने में क्या ज्यादा से ज्यादा वेल्थ को अक्वायर करने में बिजी है और डिजाइन करने में देखो पैरालिज्म है बिजी है अक्वायर करने में बिजी है डिजाइन करने में क्या वेज रास्ते टू इन्वेस्ट इन मोर सेंस प्लेज प्लेजर यहाँ पर दिया हुआ है एग्जेक्टिव दिया हुआ है प्लेजर के लिए क्या होगा नाउन नहीं आएगा सेंशुअल प्लेजर एक्जेक्टिव आएगा सेंशुअल प्लेजर को अक्वायर करने में बिजी राइट आंसर होगा देखो एक चीज यहाँ पर ये हमारा ट्वेंटी एटीन तो हमारा खत्म हो गया है uh, ये देखो मार्च थ्री फर्स्ट शिफ्ट मार्च थ्री फर्स्ट शिफ्ट यहाँ पर अभी तक तो डेट नहीं आ रही यहाँ पर हमारा 2018 जो है वो खत्म हो गया है 2018 में सेट्स 20 थे ट्वेंटी सेट्स का मतलब फोर्टी क्वेश्चन तो फर्स्ट फोर्टी क्वेश्चन ट्वेंटी एटीन के खत्म हो गए अब हमने ट्वेंटी नाइनटीन यहाँ पर स्टार्ट कर लिया ठीक है चलिए ट्वेंटी नाइनटीन में अगला क्वेश्चन नंबर फोर्थ प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पर

दीपा वॉक डाउन द रोड चल रही थी रोड के किनारे वॉक डाउन उसी के लिए आता है स्लोली विदाउट लुकिंग लुकिंग एट लेगा किसी की तरफ देखे बिना किसी भी की तरफ देखे बिना चल रही थी तो लुकिंग एट आएगा एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट आर फैटरिंग हर चीज जो कि मैं पसंद करती हूँ खाना

बहुत इजी है has singular के साथ have plural के साथ और having अलग सेंस देता है दोनों में से किसी के भी साथ द बॉय विच स्टोल द मनी वो स्कॉट जिसने पैसा चुराया था उसको पुलिस ने पकड़ लिया बच्चा जिसने पैसा चुराया था तो द बॉय है विच आ गया उड़ाओ इसको बॉय कौन सा हु कौन सा बॉय हु कौन सा बॉय हु है ना विच हमारा नॉन ह्यूमन के साथ लगता है यहाँ पर ह्यूमन है बॉय तो ह्यूमन के साथ हम हु लगाएंगे हु सरस्वती कॉलेज हैज मेंटेन सरस्वती कॉलेज ने मेंटेन किया है क्या मेंटेन किया है स्पीड थोड़ी मैंने बढ़ा दी है अब थोड़ी स्पीड ज्यादा ही रहेगी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करने सरस्वती कॉलेज ने मेंटेन किया अपना रेपुटेशन

already began मूवी तो पहले से शुरू हो चुकी थी जब मैं सिनेमा हॉल पहुंची when i reach the hall ठीक है द मूवी हैड ऑलरेडी बिगन ये हमारा when वाला है यहाँ पर नेक्स्ट क्लॉज है when में v2 आता ही आता ही। या तो v2 आएगा या वन आएगा जनरली है ना ing भी आ सकता है जब सेंटेंस उधर से उधर करते हैं राइट right? जैसे कि when my father entered the room i was writing a love letter है ना तो i was writing a love letter कब जब पापा अंदर आए इसी को मैं बोलूं when i was writing a love letter Father entered. जब मैं लिख रही थी तो 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 पापा आ गए। गए? समझ तो दोनों को करने के के लिए भी लगा सकते तो हैं। पर पर क्या होगा? V2 लिखा होगा, तो यहां पर क्या हुआ? लिखा साथ V3. अब बिगिन का जो स्विंग में होता है स्विंग स्वैंग स्वंग ऐसे बहुत सारे में तो यू वाला थर्ड फॉर्म होता है बिगिन में से ए हटाओ यू लगाओ आंसर पाओ आगे बढ़ जाओ अगला क्वेश्चन आपके सामने नो no सुनर आ गया कर चुके हैं कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज नहीं करवाऊंगी पहले से पता है आप लोगों को नो no सुनर आ रहा है डेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वो फर्स्ट सही है पेयर देख लो नो no सुनर में ई ER लगता है ई आर एनी कंपेरेटिवली वेन उड़ाओ ध्यान लगाओ आंसर पाओ और आगे बढ़ जाओ सी इसका राइट आंसर नेक्स्ट वन I'm believing you have submitted all the necessary documents. मैं मान के चल रही हूँ कि आपने सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं अब मैं आप लोगों को थ्री मिनट्स का टाइम दे रही हूँ थ्री मिनट्स में ये फाइव हंड्रेड लाइक्स तो करो यार सेवेंटी एट पर अटका हुआ है अभी फोर सेवेंटी एट पर जल्दी से थ्री मिनट्स में जिसने नहीं करा प्लीज़ प्यार से कर दो बहुत अच्छे से मैं आप लोगों के लिए कर रही ये थोड़ा सा आप भूल गए होंगे मुझे पता है एवरीबडी वॉन्ट्स टू लाइक द सेशन पर आप भूल जाते हो क्वेश्चन में खो जाते हो जल्दी से हाँ जी आई एम बिलीविंग आ रहा है वो एक्शन जो दिखाई नहीं देता है मैं बिलीव कर रही हूँ मैं अज्यूम कर रही हूँ मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं रिमेंबर कर रही हूँ मैं फोगेट कर रही हूँ ठीक है मैं अग्री कर रही हूँ मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ मैं थिंक कर रही हूँ मैं फील कर रही हूँ मैं हियर कर रही हूँ मैं समझ रही हूँ ये सब मेंटल एक्शन है और मेंटल एक्शन्स के साथ मेंटल एक्शंस के साथ क्या होता है आईएनजी नहीं लगता है क्योंकि स्टार्टिंग वर्ब्स होते हैं दिखाई नहीं देते होते हैं पर दिखाई नहीं देते तो इनके कंप्लीशन का सेंस जो होता है टाइम कभी पूरा नहीं होता है इसलिए हम इनके साथ आईएनजी नहीं लगाते तो एम बिलीविंग को हम क्या कर देंगे बिलीव कर देंगे ठीक है मिनट से भी पहले कर दिया आप लोगों ने और जब हमने बिलीव कर दिया एम उड़ा तो आई बिलीव राइट आंसर इसका हो जाएगा जो टेंस है ना उसी का सिंपल टेंस लगा देते अगर ये आई वॉज होता तो हम इसको बिलीव कर देते ध्यान रखिएगा उसी का सिंपल टेंस लगा देते हैं ठीक है अगला वाला क्वेश्चन मॉडर्न मैन इज कम्प्लीटली एनग्रोज इन द मैड ऑफ मटीरियल प्लेजर्स एंड लग्जरीज मॉडर्न मैन जो आज का इंसान है ना वो उसकी बात हो रही है वो क्या है पूरी तरीके से एनग्रोज है डूबा हुआ है किसमें इन द मैडर्स पागल जैसे एकदम डूबा हुआ है किसमें मटीरियल प्लेजर्स और लग्जरीज में उसको बोला हुआ है सो द राइट आंसर इज वेरी गुड फाइव टेन हो गए मतलब मुझे हर बार रिमाइंडर आपको करवाना पड़ेगा प्लीज डू लाइक दैट मॉडर्न मैन आधुनिक व्यक्ति जो है पूरी तरीके से इज आ रहा है ये हमारा बी है बेटा जी बी के बाद या V2. कभी भी नहीं आता ऑलवेज गलती से आएगा आपको या तो वी प्लस वी थ्री लगाना है या फिर वी फोर लगाना है ठीक है ये बनाओगे एक्टिव हो जाएगा सॉरी 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 ये बनाओगे पैसिव हो जाएगा ये लगाओगे एक्टिव हो जाएगा आई एन जी हमेशा एक्टिव के साथ

my brother who live अब ये who जो है इसके लिए आ रहा है इसके बाद जो verb आएगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा brother हमारा सिंगुलर है l में s लगाना पड़ेगा live में तब जाके ये सही होगा ठीक है अगला वाला the old man did not wanted to eat any food ओल्ड मैन जो थे वो नहीं चाहते थे कोई भी फूड खाना नहीं चाहते थे ठीक है वो तो सही बात है लेकिन do हो गया did हो गया does हो गया इनके साथ जो हमारा verb होता है वो हमेशा

यहां पर हमें परफेक्ट टेंस लगाना चाहिए तो यहाँ पर परफेक्ट भी है अब पता है क्या होता है अभी मैंने बोला बेटा यहाँ परफेक्ट है तो यहाँ सिंपल लगेगा अब यहाँ का क्वेश्चन करते हैं ये ये पास्ट प्रेजेंट तो अब हम क्या करेंगे या तो प्रेजेंट को देख के प्रेजेंट बना दो या पास्ट को देख के पास्ट बना दो जब हमारे पास ऐसी चॉइस होती है तो हम सेकंड को चुनते हैं यानी कि हम इसमें गलती लगा दें है ना इसके अकॉर्डिंग हम रीच को रीच कर दें रीच को रीच कर दें पर अगर मैं रीच कर दूंगी तो इस सेंस, इस सेंस क्या देगा सिंपल टेंस हमेशा हैबिट बताते हैं ठीक है कि जब हम पार्टी हॉल पहुंचते है। जब, जब पहुं प्रेजेंट अगर आप लगाओगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा तो हम इसके अकॉर्डिंग इसी को कंसिडर करेंगे उड़ाएंगे हैड को लगाएंगे राइट आंसर हमारा ए पार्ट में आ जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन चलिए ठीक है हाँ जी लाइक का ध्यान रखते रहिए मैं अच्छे से पढ़ाते रहूंगी आपको है ना लाइक शेयर और कमेंट्स का आपको ध्यान रखना है नए अगर आप लोग चैनल पर है डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल ऑलवेज सब्सक्राइब करें हमेशा सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी मिलते रहेंगे और बहुत सारे वीडियोज हैं जो आप लोगों को सजेशन में बार बार आते रहेंगे आपका एग्जाम और ज्यादा अच्छा हो सकता है अगर वो आप वीडियोस देखें आइए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अ साइंटिस्ट जब भी वन ऑफ आ रहा है ऑफ देख लो सही है आर्टिकल द है सही है एडजेक्टिव है सुपरलेटिव भी आएगा सही है नाउन है प्लुरल ही आएगा सही जब यहां तक कंफर्म हो जाए तब अगले वाले में चलो वन ऑफ द आ गया इज दैट अगला सेंटेंस दैट्स हिज डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन उसके डिस्कवरीज और इन्वेंशन है तो एक से ज्यादा है कौन बोल मतलब रहा है आएगा आएगा है है वो हो किसके लिए लिए के के संपूर्ण संपूर्ण मतलब बता रहा टू उरा फॉर लगाओ आंसर पाओ आगे बढ़ जाओ ठीक है के लिए पर्पज है और पर्पज के लिए आप हमेशा फॉर लगाते हो टू नहीं लगाते हो टू प्लस वर्ष लगता है पर्पज के लिए या फिर फॉर लगता है ठीक है लग रहा है पर होगा नहीं ठीक है या तो टू प्लस वर्फ फर्स्ट ये पर्पज बताता है या फिर फोर प्लस नाउन ये परपज बताता है नेक्स्ट वन आर लेट है कौन वो जो लेट है ये हमारा सब्जेक्ट ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज ये हमारा work. तो के बाद आपको वर्ब चाहिए देख क्यों आया एग्जामिनर की गलती से आपको बस उड़ाना है दो

ट्रैवल किया बाय एयर तो एवरीवन वन यहाँ पर सब्जेक्ट है है ना एवरीवन जब सब्जेक्ट है तो वह हमारा सिंगुलर होना चाहिए यहाँ पर प्लूर लगा हुआ है तो क्या ये गलत है पहले पढ़ लेते हैं एक्सेप्ट लिखा हुआ है एक्सेप्ट हमारा प्रेपोजिशन है प्रेपोजिशन के साथ हमेशा प्रोनाउन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में ही आता है ठीक है तो यहाँ पर शी लिखा हुआ है हर लगाओ सब्जेक्ट हमारा ये है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब यानी हैज भी आएगा एवरी वन एक्सेप्ट हर हैज दोनों चीज होगा हर और हैज नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा आपका जितने लोग ने नहीं किया कर लो अगला वाला क्वेश्चन एक्सेप्ट भी नहीं होगा ना बिल्कुल गलत एक्सेप्ट की जगह हम जो लगा सकते हैं वो होता है एक्सेप्ट फॉर या फिर आप लगा सकते हो बट या फिर आप लगा सकते हो बट फोर ये चारों जो हैं इन चारों का ये चारों सेम प्रपोजिशन है एक दूसरे की जगह यूज किए जा सकते हैं इन सबका मीनिंग क्या होता है के अलावा ठीक है नेक्स्ट वी एड ए लॉन्ग डिस्कशन हमारा एक लंबा डिस्कशन हुआ था किस पर ओवर अ कप ऑफ कॉफी कप ऑफ कॉफी पर एक लंबा डिस्कशन हुआ ठीक है नेक्स्ट द बोथ चिल्ड्रन गो टू द सेम स्कूल बोथ द चिल्ड्रन होगा क्योंकि बोथ और ऑल जो होते हैं इनके साथ आर्टिकल हमेशा बाद में लगता है ठीक है इनके साथ आर्टिकल बाद में लगता है और होल जो होता है हमारा इसके साथ आर्टिकल जो है हमेशा पहले लगता है और ये भी फिक्स है द ही लगेगा पर बाद में बोथ द ठीक है राइट आंसर क्या हो गया भाई चेक कर लो क्या गलती है वो एक क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वो मैंने बताया बोला सही था टिक गलत लगा दिया था देख लेना ऐसा ही कुछ हुआ होगा है ना कॉन्सेप्ट मैंने बताया है प्लीज चेक करना एक बार नेक्स्ट ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द नेशनल शुगर फैक्ट्री सारे एम्प्लॉयज किसके नेशनल शुगर फैक्ट्री के सारे एम्प्लॉयज की बात करें वो डिफर करते हैं डिफर करते नहीं अलग है किससे देयर बॉस उनके बॉस से ऑन द मेडिकल एंड पेंशन पॉलिसी पेंशन पॉलिसी और मेडिकल मेडिकल और पेंशन पॉलिसी पे उनके बॉस से वो अलग राय रखते हैं डिफर आ रहा है फ्रॉम अभी मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया था डिफर फ्रॉम समथिंग ठीक है और डिफर विद समबडी ठीक है तो यहां पर Somebody आ रहा है इसलिए फ्रॉम विद लगाओ आंसर पाओ आगे इट इतना सा करना है ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है आएगा तो सही करोगे अदरवाइज गलत करोगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन वाला so, manner वो इतने cordial manner में करती है इतने cordial मैनर में बिहेव करती है कॉर्डियल इज ठीक है इतने लविंग मैनर में बिहेव करती है दैट एवरी वन एडमायर कि हर कोई उसकी तारीफ करता है हर कोई उसकी तारीफ करता है वो इस मैनर में बिहेव करते तो शी बिहेव इन वो बिहेव करते इन सच अ ये सच जो है हमेशा अपने साथ आर्टिकल यहाँ पे लेता है और सच जो है वो नाउन के लिए आता तो नाउन जरूरी है एडजेक्टिव तो ऐसा ही है लगाओ नहीं लगाओ दोनों तरीके से सही है ठीक है तो सच के पहले अगर आपने आर्टिकल लगा दिया ये हंड्रेड परसेंट गलत होता है सच का आर्टिकल यहीं पर आता है ये करेक्ट है ये गलत है तो ए पार्ट में आपका एरर हो जाएगा अगला वाला क्वेश्चन ये रहा मैरिड उसने मैरी किया इससे एक ही और इससे टीवी इसको क्या बोलते हैं का में ये, एक प्रिंसेस से उसने शादी किया मैरी हमारा टीवी है मैरी टीवी है तो आप अगर मैरिड लिखते हो इसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा अगर आप बी प्लस मैरिड लिखते हो तो ये पैसिव बन जाता है यहां पर आपको टू लगाना है यहां पर आप ये जो है आपका ये एक्टिव है ये एक्टिव है मैरिड प्लस ऑब्जेक्ट ठीक है तो अगर यहां पर मैरिड में वी नहीं लगा हुआ उसने शादी किया किससे एक रिच से? टू वो नहीं आएगा इसमें टू नहीं आएगा अगर टू लगाओगे तो गलत हो जाएगा एक्टिव है ये मैरिड प्लस ऑब्जेक्ट लेगा ऑब्जेक्ट यहां पर लिखा हुआ विद हटा दो गलत हो जाएगा अगला वाला द फेमस ऑथर एंड एक्टर फेमस ऑथर और एक्टर जो थे आर बींग ऑनर्ड उनको ऑनर किया गया एट अ फंक्शन टूडे एक फंक्शन में आज है ना फेमस ऑथर और एक्टर जो थे उनको एक फंक्शन में किया गया ऑनर सम्मानित किया गया तो द एक ही बार लिखा हुआ आर्टिकल अगर एक ही बार लिखा हुआ होता तो ऑथर और एक्टर जो है इसका मतलब एक ही है अगर द यहाँ पर भी आ जाता तब होता दो ऑथर तो और एक्टर को uh, को सम्मानित किया गया एक ही बार आर्टिकल है इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब का यहां पर लग जाएगा ठीक है अगला वाला चलिए द फॉर यू यस्टरडे वॉज वेरी एक्सपेंसिव वो प्रेजेंट जो मैंने आपके लिए बाई किया था यस्टरडे को यानी कि कल को वो बड़ा ही एक्सपेंसिव था महंगा था द प्रेजेंट प्रेजेंट तो प्रेजेंट हमारा नॉन ह्यूमन है नॉन ह्यूमन के लिए हमारा जो

Plenty of information. अब देखो बेटा, ये 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 हमारा है, है? है. ठीक है? ये plenty of money? Much. Much. बहुत सारा. Correct है. Plenty of. जो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ आ जाए तो अनकाउंटेबल के साथ आ गया सही है मच इंफॉर्मेशन बहुत सारा इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है सिंगुलर ही रहता है अनकाउंटेबल है सिंगुलर ही रहेगा वर्ब इसके साथ हमेशा सिंगुलर आनी चाहिए वॉज गिवेन टू मी जो कि मुझे दिया गया बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मुझे दिया गया कब जब मैं वापस गई जो भी लिखा हुआ एज अ लिटिल चाइज एक छोटे बच्चे के रूप में She was afraid from darkness. वो darkness से डरती थी छोटे बच्चा था वो डरती थी darkness से Afraid अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन लेता है जो कि ऑफ होता है अफ्रेड ऑफ डूइंग समथिंग या अफ्रेड ऑफ नाउन दोनों लगा दो क्योंकि टू नहीं है तो जेरेंट तो लगेगा लगेगा बट तो फ्रॉम नहीं आएगा तो फिक्स प्रपोजिशन का क्वेश्चन है सी राइट आंसर अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा इन अ फ्यू सॉरी इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन आर पुट इन द मिल्क अगर थोड़े से ड्रॉप्स ऑफ लेमन लेमन की कुछ बूंदे अगर डाल दी जाए कहां पर डाल दी जाए मिल्क में डाल दी जाए है ना मिल्क में डाल दी जाए तो क्या होता it has turned sour, वो हो जाता है इट है, है।, हो, तो है, तो है, exactly, है नहीं फैक्ट है और जब फैक्ट आ जाता है तो दोनों तरफ प्रेजेंट टेंस लगता है वो भी सिंपल ठीक है सिंपल टेंस लगता है तो यहाँ पर आपको सिंपल टेंस ऐड किया हुआ है ये सिंपल टेंस है पैसिव है पर कोई बात नहीं बी प्लस वो थर्ड सिंपल टेंस है तो यहां पर भी आपको सिंपल ही लगाना है सिंपल है मतलब वह फर्स्ट लगा दो आंसर आ जाएगा टर्न्स डी आंसर ठीक है देख लिया सबने फिर से उड़ाने वाला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप लोगों को उड़ाने ही उड़ाने हैं और मुझे लग रहा है ये सारे ऐसे ही आ रहे हैं कि आप सारे उड़ा दोगे ट बिल्कुल भी नहीं गया डू डिट डेस्क के साथ हमारा जो वर्क होता है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है राइट आंसर गो आ जाएगा अगला वाला क्वेश्चन वी मस्ट गेट दिस पोस्ट सेंड एज सुन एज पॉसिबल वर्व का क्वेश्चन है ये ठीक है क्या पूछ रहे हैं लिटल को किसी ने कुछ पूछा एक सेकेंड देख रहे हो

ट इट डन प्लीज गेट इट डन राइट टू गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्थर्ड हमेशा होता है ठीक है प्लीज गेट इट डन फॉर मी ऐसे करके डन अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा इन क्लासिकल डांस सीता को क्लासिकल डांस में कोई टेस्ट नहीं है टेस्ट नहीं मतलब उसको कोई स्वादी नहीं है उसका कोई रसी नहीं उसका कोई इंटरेस्टिंग नहीं है उसको समझ में ही नहीं आता है क्लासिकल डांस के बारे में बोला ही जा रहा है बेटा जी ध्यान दो टेस्ट जो होता है वो अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन इन लेता है आई हैव गुड टेस्ट इन बुक्स ऐसे करके टेस्ट इन होता है पर अगर नो no टेस्ट आ जाए यानी नेगेटिव आ जाए अगर आ जाए तो यहाँ पर हमें ट्रू लगाना होता है दोनों करेक्ट है नो no अगर आ जाए तो ट्रू लगेगा अगला क्वेश्चन पीडीएफ कहा मिलेगी ऊपर लिखा हुआ है प्लीज रीड कर लीजिए इट इज रेनिंग बारिश भारी बारिश हो रही इट इज रेनिंग सो ला बट यू विल गेट वेट इसलिए आपको अम्ब्रेला ले लेना चाहिए यू विल गेट वेट हांजी तो फाइव मिनट्स होने वाले हैं पर लाइक नहीं बड़े हैं मैंने बोला था फाइव मिनट्स का टाइम दिया है ठीक है आंसर इट इज रेनिंग हेवीली बारिश हो रही है सो इसलिए यू शुड टेक एन अम्ब्रेला आपको एक अम्ब्रेला लेना चाहिए आपको अम्ब्रेला लेना चाहिए नहीं तो क्या होगा नहीं तो आप बारिश में भीग जाओगे यही बोला गया बारिश हो रही है नहीं तो आप बारिश में भीग जाओगे नहीं, तो मतलब तो नहीं तो आप क्या क्या लगा सकते हो अदरवाइज वरना है ना इफ लगा सकते हो एल्स सॉरी इफ नहीं एल्स लगा सकते हो और लगा सकते हो ठीक है इन सब का मतलब होता है वरना नहीं तो ठीक है आप वैसे तो लिस्ट भी लगा सकते हो पर अगर आप लेस्ट लगाओगे ना तो लेस्ट के साथ हमेशा जो पार्टनर होता है वो शुड होता है तो लेस्ट के साथ आपको शुड में भी चेंज करना पड़ेगा और इन सब के साथ विल आ जाता है तो ये आप या तो ऐसे कर दो क्योंकि एक ही पार्ट में तो या तो आप इनके साथ ये लगा दो तो, या फिर आप तीनों चेंज कर दो ऐसा लगा दो दोनों पार्ट सही है अगला वाला द शिप sank बड़ी शिप सैंक हो गई डूब गई और क्या हुआ एंड एवरी वन अब्रॉड ड्राउन जितने भी लोग अब्रॉड थे वो सारे ड्राउन हो गए अब्रॉड का मतलब क्या होता है फॉरेन कंट्री विदेश पर सारे जो अब्रॉड थे वो ड्राउन हो गए नहीं नहीं ये गलत है ठीक है लीस्ट नहीं लेस्ट लेस्ट लीस्ट अलग वर्ड होता है अब्रॉड नहीं अबोर्ड। अबोर्ड मतलब बोर्ड किए गए बोर्ड हुए हुए जैसे आई हैव बोर्डेड द बस हुए हुए है ना ऐसे बोला जाता है बोर्डेड भी कर सकते हो आप इसको यानी चढ़े हुए जितने भी लोग उसमें चढ़े हुए थे ना शिप में वो सब तो या तो आप बोर्डेड लिख दो या फिर आप अबोर्ड लिख दो दोनों सही है पर अब्रॉड नहीं आएगा ठीक है आप अबोर्ड लिख सकते हो या बोर्डेड लिख सकते हो सैंक सही है भाई अभी बताया था सिंक सैंक ए वाला सेकंड फॉर्म यू वाला थर्ड फॉर्म तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म ही आएगा ना सैंक संक कैसे आ जाएगा ठीक है थर्ड फॉर्म अकेले नहीं आता है Had you not reached in time, we will have lost our lives. अगर आप टाइम पर नहीं पहुंचते हम तो अपना जान खो ही देते अगर आप टाइम पर नहीं पहुंचते ठीक है अब देखो हैड लिखा हुआ शुरुआत में इफ यू हैड नॉट रीच्ड इसी का इन्वर्जन फॉर्म है ये ये इन्वर्जन है ये इन्वर्जन है हैड प्लस वर्ब थर्ड ठीक है

ट्वेंटी स्टार्ट हो गया यानी टू थाउजेंड एटीन टू थाउजेंड नाइनटीन हमारा डन हो गया है ट्वेंटी अभी हम लोग रनिंग है एंड ट्वेंटी ट्वेंटी ओके सबको बता रही रहे आइए यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन अ क्राउडेड बस हालांकि राइडिंग वर्ड सही नहीं है आपको राइड करना क्राउडेड बस में अवॉइड करना चाहिए हम राइड नहीं करते हैं है ना और ट्रेवलिंग इन अ मेट्रो या फिर मेट्रो में ट्रैवल करना अवॉइड करना चाहिए कब ड्यूरिंग रश आर रश आर के दौरान भीड़ के समय के दौरान एज बोथ आर क्वाइट अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस क्योंकि दोनों ही कैसे है, बहुत है। हैं बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस है बोथ आर है इसलिए ये प्लूरल सही है और ट्रैवलिंग इन अ मेट्रो या फिर मेट्रो में ट्रेवल करना ये क्यों वापस ले दिया है ये तो गलती है ये देखो ये और ट्रेवलिंग इन अ मेट्रो नहीं ये यहाँ का है ये उड़ा के गलती से लिख दिया गया ये यहीं पे ख़त्म हो गया ठीक है वो क्वाइट अब देखो यहां पर ये गलती ये वाले एक होता क्वाइट एक होता क्वाइट और एक होता क्विट और एक होता क्वीर आपको तो पता ही क्वीर के बारे में क्वाइट एनी मच क्वाइट एनी साइलेंट और क्विट यानी लीव अगर बात करें पार्ट ऑफ स्पीच की क्वाइट so, एडवर्व है, है, है अब यहाँ पर एडवर्व नहीं बोथ आर क्वाइट बोथ आर क्वाइट नहीं दोनों चुप है दोनों चुप है नहीं चुप नहीं होना दोनों कैसे है बहुत ही ज्यादा मच वाला संसार है बोथ आर मच अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसिस है ना तो ये आएगा ठीक okay? ने है नेक्स्ट वन द वुड कटर फेल्ड वुड कटर ने फेल किया सम्रीज अब आपको पता है फेल एक होता है फॉल फॉल यानी गिरना ठीक है फॉल और फेल और ये वी वन ये टू v2 थ्री होता है एक होता है फेल्ड फेल्ड ठीक है v1 v2 v3 इसका मतलब होता है गिराना और इसका मतलब होता है गिरना ठीक है इसका v2

हम यहाँ पर एनी लगा सकते हैं पर आपको पता है मैंने आपको जब ग्रामर पढ़ाई होगी किसी भी क्लास में तो मैंने आपको बताया होगा बेटा जी नेगेटिव में हम मैनी लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट के साथ मैनी वैसे नहीं लगाते पर नेगेटिव में लगा सकते हैं तो यहाँ पे मैनी भी सही है अगर आप मैनी लगाओगे तो आप एफर्ट्स कर दो ये हंड्रेड परसेंट सही है आप एनी लगाते हो आपको पता है एनी लगेगा तो या तो आप मैनी एफर्ट्स कर दो या फिर आप एनी एफर्ट कर दो दोनों ही सही है ठीक है दोनों सही है ठीक है एक चीज और हाँ बिल्कुल सही ये हमारा टीवी है देख लो ना ऑब्जेक्ट ले रहा है और ये वाला हमारा आई टीवी है क्योंकि फेल यानी सॉरी सॉरी ये फॉल लिखा हुआ है ये आई टीवी है ये वाला आई टीवी है और ये वाला टीवी है क्योंकि ये क्या ऑब्जेक्ट ले रहा है सीधे से गिराया 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 क्या गिराया ट्रीज गिराया ठीक है तो मैनी भी सही है मैनी लगाओगे एफर्ट्स आएगा एनी लगाओगे एफर्ट्स नहीं आएगा है ना दोनों सही है और मैनी नेगेटिव में होता है क्लास में मैंने आप लोगों को बताया हुआ ये चीज़ ठीक है आइए आगे चलते हैं इसी के साथ तो मतलब कुल मिला जो हमारा एरर है वो इसी पार्ट में राइट अगला वाला द दर्रवर उसने बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाए ये बोलते हैं ना ही कोई एफर्ट नहीं लगाई ये भी बोल सकते हैं उसने बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाए ये बोलते हैं ना गलत थोड़ी ना उसने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की थी डि नॉट डू मच एफर्ट्स राइट एनी एफर्ट की जगह मच भी सही है ना एफर्ट अगर हम लोग लिख रहे हैं तो मच भी लगा सकते हैं अगर हम एफर्ट को काउंटेबल मान रहे हैं तो मैनी लगाओ नहीं मान रहे हैं, तो एफर्ट्स क्योंकि क्यों होता है एफर्ट्स उसने की है इसलिए ठीक है चलो नेक्स्ट द रिवर्ड अपियस रिवर्न लगता है टू हैव गॉड हैव गॉट मतलब यहां पर ये परफेक्ट इंफिनेटिव का एग्जाम्पल टू हैव प्लस वर्ब थर्ड ठीक है टू हैव गॉट इट्स नेम फ्रॉम द टाउन नियर बाय ठीक है ऐसा लगता है ऐसा लगता है कि उसने ऐसा लगता है पीएस लगता है ऐसा टू हैव गॉड कि उसको मिला है इसका नाम फ्रॉम द टाउन नियर बाय आस पास के जो टाउन है उसी से उसको उसका नाम मिला है ऐसा लगता है ठीक है अब हैव गॉड कौन कह रहा है गॉटन हो जाएगा बेटा जी गॉड हमारा सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों होता है कि गॉटन जो है ना इट्स एन अमेरिकन वर्जन ऑफ गॉड ना ये अमेरिकन है हम लोग अमेरिकन को यूज नहीं करते हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं सो इट इज हंड्रेड परसेंट करेक्ट ये सही है टाउन सही है, बिल्कुल सही है so right here, no बहुत मुझे नो एरर देखने को मिला है ठीक है तो नो एरर राइट आंसर है अगला वाला Lack of required vitamins and minerals, lack of preposition आ रहा है ठीक है ये हमारा सब्जेक्ट कमी किसकी कमी ये नाउन है Required vitamins. Required vitamins आवश्यक और की कमी सिंगुलर है ठीक है सिंगुलर हमारा सिंगुलर आएगा लीड्स अब लीड्स अपने साथ जो वर्व लेता है वो कौन सा लेता है सॉरी प्रपोजिशन लेता है वो कौन सा लेता फिक्स है? या to क्या आप में से कोई भी बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस ट क्या डिफरेंस है व डिफरेंस बिटवीन दीज टू आंसर बताइए सेवरल कॉम्प्लीगेशन द्यूमन बॉडी आंसर बताओ अच्छा आंसर तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं लीड्स टू वर्ड्स आ जाएगा है ना अब आपको इसमें डिफरेंस बताना है मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन दशहरा सेलिब्रेशन इन माइसूर दिस इयर आर दशहरा सेलिब्रेशन जो हुआ है मैसूर में उसकी वजह से क्या हुआ है दिस इन आर ग्रैंडेस्ट वो इस साल ग्रैंडेस्ट है देन इन द इन एनी पार्ट ऑफ द स्टेट स्टेट के किसी भी दूसरे पार्ट से इस साल जो दशहरा सेलिब्रेशन हुआ है वो ग्रैंडेस्ट है टूवर्ड्स की ओर होता है और टूवर्ड क्या होता है अलग होता है क्या टूवर्ड हाँ तो क्या होगा अब यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है राइट बिल्कुल सही कंपैरिजन हो रहा तो ग्रैंडर कर दो केवल ग्रैंडर हो जाएगा राइट आंसर आर का इज नहीं होगा क्योंकि सेलिब्रेशंस है भाई प्लूरल है हमारा तो वर्ब हमारा प्लूरल है हंड्रेड परसेंट सही है नेक्स्ट इट हैव बीन ओनली थ्रो राइटिंग सॉरी इट हैव बीन ओनली थ्रू राइटिंग ये राइटिंग से ही हो सकता है दैट की हाँ तो भाई टू वर्ड और टू वर्ड्स में जो अंतर है वो ये अंतर है कि टूवर्ड जो होता है वो इनफॉर्मल होता है टू वर्ड जो होता है वो फॉर्मल होता है दोनों एक ही होते हैं पर हमें फॉर्मल में टू वर्ड्स का ही यूज करना चाहिए ठीक है ठीके? हाँ It के साथ सिंगुलर वर्ब लिखा जाता है यूज किया जाता है प्लुरल हमेशा गलती से ही आता है कोई हो ही नहीं सकता चांस की इट के साथ लगा दो, कब लगता है अगर है, it were, as if it were, ऐसे करके, स्मॉल चिल्ड्रन yes. ठीक है आंसर करिए लगभग दो घंटे होने वाले सेशन को और हम 84 फोर क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर पे पहुंच गए हैं ठीक है लगभग टू आवर्स होने वाले हैं सिक्सटी क्वेश्चन पर मिनट हम नहीं कर पाए हैं थोड़ा सा टाइम क्योंकि एक्सप्लेनेशन में लगा जहाँ पर रिपीट हो रहा है वहाँ पर मैं बहुत कम एक्सप्लेन कर रही हूँ लेकिन जहाँ जरूरत है वहाँ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ऐसे सेशन बार बार नहीं आते हैं तो ऐसे में जिम्मेदारी है मेरी कि मैं आपको पूरा बता दूँ जब आप रिविजन कर रहे हो तो आपको वाकई अच्छा लगेगा हाँ लैक ऑफ रिक्वायर्ड भी होगा एक मिनट देख लेते हैं देख लेते हैं द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर या तो आप टीचर कर दो टीचर को रिक्वेस्ट किया या आप टीचर्स कर दो पर टीचर में एस नहीं लगेगा रिक्वेस्ट किया टीचर से कहा लगेगा रिक्वायर्ड लिखा तो है लैक ऑफ रिक्वायर्ड vitamins आपको सिर्फ यहां पर लैक ऑफ रिक्वायर्ड तो सही है आपको सिर्फ यहां पर चेंज करना ठीक था वो वाला क्वेश्चन ठीक है तो इस वाले पार्ट में गलती अगला क्वेश्चन ये रहा

रेगुलर है तीनों फॉर्म में सेम रहता है पुट 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 ठीक है लाइक ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट भी तीनों में सेम रहता है एक बार बताओ ओवरफ्लो ओवरफ्लो के तीनों वर्ड्स बताइए तीनों फॉर्म्स आता है एग्जाम में नेक्स्ट वन द रिक्रूटर्स वर प्लीज रिक्रूटर्स रिक्रूटर्स जो थे वो प्लीज थे खुश थे किससे प्लीज थे जॉन्स डोमेन नॉलेज एंड पर्सनालिटी। जॉन की जो डोमेन नॉलेज थी जो उसकी पर्सनालिटी थी, उससे वो लोग खुश थे तो हम प्लीज होते हैं अगर किसी से तो हम पर्सन से अगर होते हैं तो प्लीज विद आते हैं। देवो प्लीज़ विद जॉन्स पर्सनालिटी, जॉन्स नॉलेज ओके हाँ जी। नेक्स्ट वन होते है, और और थर्ड में लगता है है, है, लगता ठीक ध्यान रखना लगाओगे गलत हो जाएगा सी हैज बिकम सी बन चुका है क्या बन चुका है एन चीप डंपिंग ग्राउंड सबसे सस्ता डंपिंग ग्राउंड बन चुका है कचरा फेंकने का अड्डा बन चुका है फॉर ऑल काइंड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स हर तरीके के वेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए डंपिंग ग्राउंड बन चुका है जो भी मिले डाल दो उसमें ठीक है ये बोल रहा है अभी तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया एन लगा दिया गया उठा दो साउंड ही नहीं कर रहा है सही सही चीप आर्टिकल का क्वेश्चन आसान सा यू प्लीज कम टू हेल्प मी अलोंग दिस हैवी बॉक्स इस हैवी बॉक्स को उठाने में मेरी मदद नहीं करोगे क्या तुम प्लीज लग रहा है इसलिए सही है रिक्वेस्ट के लिए आ जाता है ठीक है अब अलोंग मतलब क्या होता है के किनारे नदी के किनारे अलोंग द रिवर अलोंग द बीच ये बोला जाता है ना along the road, right? अब heavy box में किनारे कहां से आ गया तो गलत है अब इसको box लिखा हुआ क्या मेरे साथ आप मदद नहीं करोगे और अलोंग के साथ आप विद लगा दो अगर तो भी ये सेम सेंस देगा या तो आप विद लगा दो अलोंग विद लगा दो एकदम सेम सेंस देगा अगला वाला क्वेश्चन ये रहा सिंस लेन ईयर्स इस अपार्टमेंट में वो टेन ईयर से रह रहे हैं हाँ हाँ बिड का सेम होता है राइट आंसर बताइए सो कंप्लीटेड नाइनटी क्वेश्चन हो गए यहां पर दे हैव लिव्ड दे हैव लिव्ड वो रह चुके हैं इस अपार्टमेंट में दस इयर दस साल रह चुके हैं रहना बंद नहीं किया रह रहे हैं पर दस साल तो वो रह चुके हैं

ये तो गलत है आप ऐसे लगा दो ठीक है वो जीतता है बहुत सारे कॉलेजेस पर ये क्या है बिचुअल इलेक्शनल रोज आता है जीत के आ जाता है इट डजंट साउंड गुड इसलिए साउंड गुड फैक्टर के लिए हालांकि ग्रामेटिकली सही है पर मैं साउंड गुड फैक्टर के लिए मैं इसको वॉर्न कर देती हूँ कि वो जीता है बहुत सारे कॉलेजेस ठीक है ये राइट आंसर हां जी अगले 5 मिनट्स प्लीज चेक आप लोगों ने अगर सेशन को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए कुछ ही बाकी है सेवन हंड्रेड में आप तो यू ही कर दोगे आपको सब आता है जल्दी से सेवन हंड्रेड लाइक तो हो जाए फटाफट से आइए वेन शी वेंट फॉर अ वॉक जब वो वॉक पे गई माया कूडन टेक ऑफ हर स्का्फ वो अपना स्का्फ नहीं टेक ऑफ कर पाई टेक ऑफ करना क्या होता है रिमूव करना हटाना ठीक है वो अपना स्काफ नहीं हटा पाई क्यों बिकॉज इट वॉज टू मच विंडी क्योंकि बहुत ज्यादा ही हवा चल रही थी इसलिए उसने स्काफ नहीं हटाया टू मच आ रहा है मच टू आ जाएगा एकदम सही है too much है वो नहीं आएगा क्योंकि मच टू टू मच प्लस नाउन होता है ठीक है और मच टू जो होता है वो यहां पर राइट right आंसर होगा अगर आप डिटेल में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि टू जो होता है ना वो हमेशा एडवर्ब होता है एडजेक्टिव नहीं होता है हमेशा एडवर्ब होता है इसलिए टू ही पहले आता है मच जो होता है वो नाउन के साथ इसलिए क्योंकि ये दोनों में एडजस्ट कर लेता है एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों में एडजस्ट कर लेता है यहां पर, पर, पर ये तो हमेशा एडवर्ब रहता है ठीक है इसलिए ये पहले नहीं आ सकता ठीक है तो यहां पर मच टू अगला वाला इस वाले पार्ट में नेक्स्ट वन वी डोंट अ लार्ज हाउस वास्तव में हमें लार्ज हाउस नहीं चाहिए हाँ जी हो गया लाइक टू नेगेटिव यूज़ होता है देखो वी डोंट रियली वांट अ लार्ज हाउस हमें वास्तव में बड़ा हाउस नहीं चाहिए वी आर लुकिंग फॉर वी आर लुकिंग फॉर वी आर सर्चिंग है ना कंफर्ट कुछ सम हम ढूंढ रहे हैं एंड सम कन्वीनियंस और थोड़ा सा आराम भी ढूंढ रहे हैं। मॉडरेट प्राइज एक मॉडरेट प्राइज में हम इतना सारा चीज ढूंढ रहे हैं तो मॉडरेट प्राइज में ढूंढ रहे ऑन क्या होता है सिस्टर के घर जाएगी ठीक है सिस्टर के घर जाएगी सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ललिता जाएगी 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 कहाँ सिस्टर के घर किसकी सिस्टर मैंशन ही नहीं किया गया तो ये थोड़ा सा गलत है ललिता विल गो टू हर सिस्टर्स हाउस हर लगा दो राइट right आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन सेवन यो फोर ऑफ अर्लिएस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड के चार अर्ली सॉरी वर्ल्ड के अर्लीएस्ट सबसे पुराने सिविलाइजेशंस में से चार ठीक है हम चार की बात कर रहे हैं सब्जेक्ट हमारा वन नहीं है फोर है

और अपने हंड्रेड में से कितना स्कोर किया है ये भी आप लोगों को बताना तो एक छोटा सा टास्क आ रहा है अगर स्कोर नहीं याद है तो एटलीस्ट ये याद होगा कितनी गलतियां आपने करी हैं तो मेक इट श्योर हर चीज ध्यान रखिए फटाफट से हंड्रेड क्वेश्चन पे फोर ऑफ द अर्लिएस्ट अगला क्वेश्चन नो सुनर आ गया थर्ड या फोर्थ टाइम रिपीटेड कॉन्सेप्ट है नो सुनर आ गया हमारा यहाँ पर देन लग जाएगा क्योंकि इन्वर्जन यहाँ पर सही दिखाई दे रहा है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट ठीक है नेक्स्ट वन द विजिटर्स कंप्लेंट विजिटर्स ने कंप्लेंट किया है ना आप कंप्लेंट एक इंपॉर्टेंट वर्ब है कंप्लेंट जो होता है इसके साथ प्रपोजिशन अलग अलग आते हैं कंप्लेंट टू कंप्लेंट अगेंस्ट और कंप्लेंट अबाउट तीनों अलग अलग होते हैं ठीक है अबाउट समथिंग

इसलिए यहां पर अबाउट आएगा अबाउट समथिंग राइट आंसर यहां पर अगेंस्ट नहीं होगा अगेंस्ट कब होता है बेटा खिलाफ अगर दे कंप्लेन अगेंस्ट द मैनेजर तो आप अगेंस्ट लगाते हैं ना कंप्लेन टू द द मैनेजर अगेंस्ट पियन ऐसे भी हो सकता था ठीक है चलिए अगला वाला क्वेश्चन चलेंगे कहां पर आएगा प्रपोजिशन का एरर इस पार्ट में इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हंड्रेड आपके सामने है और जल्दी से आंसर दे दो फटाफट से बहुत ही आराम से करने वाला क्वेश्चन है स्टैंडिंग अवेशन देने की जरूरत है आप लोगों को चलो सी यू फटाफट से फटाफट पड़ से आंसर हां जी देखिएगा फ्यू डेज बिफोर कुछ दिनों पहले जैसा था उससे कुछ ज्यादा ही वार्मर अभी गया, गर्मी बढ़ गई है गर्मी बढ़ गई है ठीक है अब देखो ई आर लग, लग रहा है यानी कंपेरिजन है ठीक है मच जो होता है वो कंपेरेटिव डिग्री की डिग्री को और ज्यादा बढ़ाने के लिए एम्साइज करने के लिए मच लगाते हैं पॉजिटिव डिग्री में वेरी लगाते हैं

जल्दी से फटाफट पड़ से चेक करिए और मार्क्स बताइए कितने गलत हुए अंदाजन कितने गलत हुए हैं क्विकली बताइए क्या बात है ए बी डिविलियर जय सूर्या सब यहाँ पर आ गए हैं क्रिकेट वर्कर छोड़ के एकदम अब एसएससी के एग्जाम्स में लग गए सारे वेरी गुड चलिए हाँ जी थैंक यू सो मच आपका यही लव है जो मुझे हमेशा क्या करता है अप करता है अच्छे अच्छे सेशन लाने के लिए कल बहुत अच्छा सेशन आने वाला है एंटेन्स करेंगे कल लगातार ठीक है स्टैंडिंग भी चाहिए खड़े रहना है सबको खड़े होके क्लैप करना है एक भी गलत नहीं हुआ वेरी गुड के साथ हंड्रेड क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए हैं और हंड्रेड एंड वन की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं और अभी हमारा ट्वेंटी वन ही चल रहा है ना दो दो हमारा करी खत्म हो गया तीसरा हमारा खत्म होने वाला है अब चलेंगे आगे सो हियर वी गो रणवीर नॉट वेंट टू अवार्ड सेरेमनी रणवीर जी जो है वो अवार्ड सेरेमनी में नहीं है क्यों आज ही वॉज बिजी शूटिंग क्योंकि वो बिजी थे शूट करने में बताया मैंने बिजी शूटिंग में इन लगा के एरर मत निकालना बिजी के साथ शूटिंग भी सही है बिजी इन शूटिंग भी सही होता है ठीक है

बताया मतलब ब्रोक किया है उन्होंने ब्रेक किया है काफी myths को Modern science लिखा हुआ है science singular subject होता है 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 पर हमारा होता इसके साथ दोनों आता है. Has लगाएंगे right answer आ जाएगा लगाओ का ये रहा at the last meeting, पिछली मीटिंग में एट exactly लगाते विच took प्लेस इन नवंबर जो नवंबर में प्लेस हुई थी ठीक है उसने क्या करा रेजिग्नेशन आधे मेंबर्स ने रेजिग्नेशन सबमिट 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 कर दिया। किस लिए? किस लिए? Submit किया, submit किया, submit किया। किस लिए किया? प्रोटेस्ट करने के लिए। यहाँ पर हमें क्या बताना है पर्पस। पर्पस बताने के लिए या, तो two plus लगता है, या फिर four लगता है. That's it. लगाओ, answer पाओ आगे बढ़ जाओ ठीक है इस वाले पार्ट में ऑन उड़ाएंगे टू लगाएंगे, तू लगाएंगे. का है अगला क्वेश्चन आराम से करने वाला रिपीट हुआ है आंसर दो विजय भमा करके प्लेलिस्ट बनी हुई है ना वही महारिविजन की प्लेलिस्ट है अच्छा महारिविजन में बनवा देती हूँ अभी ठीक है महारिविजन बनवा रही हूँ नेक्स्ट वन वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्राइज इन इंडिया इज डिक्लेरिंग लॉकआउट वन ऑफ द जब आता है तो उसके साथ हमारा वर्ब जो होता है वो सिंगुलर आता है लेकिन जो नाउन होता है वो प्लुरल आता है सुपरलेटिव ही आता है प्रेपोजिशन ही आता है सब कुछ सही है एंटरप्राइज में एस लगाएंगे राइट right आंसर आ जाएगा ठीक है हाँ यहाँ पर एक अनाउंसमेंट अगर आप लोगों के मॉक में मार्क्स कम आ रहे हैं मॉक्स में अगर मार्क्स कम आते हैं तो परेशान मत हो ठीक है मॉक में मार्क्स कम है डिप्रेशन में बिल्कुल मत आ जाना मॉक में मार्क्स मॉक पता नहीं कहाँ कहाँ से बनते हैं बहुत टफ टफ बना देते हैं लोग है ना सिर्फ इसलिए ताकि आपको लगे कि यार वाकई बढ़िया क्वेश्चन है हमें तो आते नहीं हमें इनके मॉक्स खरीदने चाहिए हमें इनके मॉक्स को पढ़ना चाहिए एंड ऑल एंड ऑल एंड आर वेरियस रीजन है ना मॉक हमेशा वो होना चाहिए जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वैसे क्वेश्चन आने चाहिए लेवल वही रहना चाहिए अगर लेवल थोड़ा सा भी टफ है इट मीन्स आपको कोई सेंस नहीं हो उस वाले मॉक को देने का अगर मॉक में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं इट मीन्स कि वो मॉक अगर लेवल देख लो पहले है ना मैं यही करूँ की ज्यादा ही होगा अगर लेवल वही एग्जाम बना और फिर भी आपके मार्क्स कम आ रहे तो इट मीन्स यू हैव टू प्रैक्टिस अगर लेवल ज्यादा है तो प्लीज मॉक मत दीजिए प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर लीजिए आप यहाँ से जो टॉपिक वाइज करेंगे ये मोर देन इनफ है किसी भी एग्जाम के लिए फिर भी आप मॉक जो है वो लेवल वाले दीजिए बिना लेवल के मत दीजिए हो सके तो पीवाई लगा लो सीजीएल के लिए प्रिपेयर करो सी एच एस एल के लगा लो एम टी एस के लगा लो स्टेनो के लगा लो किसी के भी लगा लो प्रीवियस ईयर लगा लो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर मॉक ठीक है सिर्फ आप प्रीवियस ईयर करो कुछ और मत करो ठीक है आइए आई नेवर मिस अ क्रिकेट मैच मैं कोई क्रिकेट मैच मिस नहीं करती हूँ एज आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट क्योंकि मैं फॉन्ड ऑफ क्रिकेट हूँ शौकीन होता है है ना मैं शौकीन हूँ क्रिकेट की कब से चाइल्डहुड से चाइल्डहुड के साथ क्या आएगा सिंस लगता है हमेशा सिंस चाइल्डहुड लंबा टाइम के लिए आ रहा है हमेशा सिंस लगता है ठीक है हाँ एट चाइल्डहुड नहीं अगला वाला प्रीवियस ईयर है तो ही सही है अगर प्रीवियस ईयर जैसे है मतलब लेवल अगर प्रीवियस ईयर जैसा है तो ही सही है टफ है तो सही नहीं है आइए द द आर्मी आर्मी फियरलेस एनिमी कैंटमेंट मार्च कर रही थी कहां पर टुवर्ड्स द एनिमी कैंटमेंट एनिमी के कैंटमेंट की तरफ मार्च कर रही थी आगे बढ़ी थी किस तरीके से फियरलेसली विदाउट एनी फियर विदाउट एनी फियर राइट फियरलेसली आएगा Fearlessly, किया जाना तो चाहिए तो यहाँ पे से इसको, इसको लगाओ आंसर पाओ और आगे बढ़ जाओ ऐसे ठीक है हाँ देखो मेरे मॉर्स हमेशा ऐसे होता तो है वही लेवल रहता है मैं कभी लेवल नहीं बढ़ाती मुझे जान करके टफ देने का बिल्कुल शौक नहीं है ठीक है क्योंकि मुझे पता है लेवल इजी आएगा स्टेनो में इजी आया और जो मैंने दिया ना उससे भी ज्यादा इजी है क्योंकि मैंने वो लेवल दिया जो पिछले फॉलो होते हैं स्टेनो में थोड़े टफ आते हैं पर इस बार तो वो भी इजी कर दिया और सीजीएल से एचएसएल में तो आता ही इजी है ये विजय भवा में इसकी प्ले विजय भवा ही है विजय भवा वाली जो प्ले है ना यूट्यूब पे उसमें ही सारे सब मिल रहे हैं सब एक जगह डले हुए विजय भवा में ठीक है आइए सेवरल प्रोमिनेंट फिल्म स्टार्स हैव स्टारे बहुत सारे प्रोमिनेंट फेमस पॉपुलर फिल्म स्टार्स जो है वो अपियर हुए हैं टेलीविजन पर ऑन ऑफ ऑफ ऑन मतलब किसी की जगह पर राइट right? अवेयरनेस की जगह पर तो आ नहीं सकते अबाउट हैंड हाइजीन हैंड हाइजीन के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए आए हैं वो लोग ठीक है तो ऑन गलत है ठीक है किस लिए इसलिए अवेयरनेस फैलाने के लिए तो टू रेज अवेयरनेस टू स्प्रेड अवेयरनेस ये हो सकता है ठीक है जागरूक करने के लिए अवेयरनेस करने के लिए वो लोग आए तो ऑन ऑफ गलत है टू टू स्प्रेड रेज होगा ये गलत है बेटा इसकी जगह आपको ये लगाना है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर राव आज द न्यू कमर मिस्टर राव ने न्यू कमर से पूछा टू हिस्स ऑफिस हु वाज न्यू टू हिज ऑफिस ठीक है देखो सब्जेक्ट और वर्ब यहां से उड़ा दिया गया है हु वाज तो 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 होगा दोबारा लिखेंगे ये हो जाएगा इसलिए तीनों को काट दिया। माइंडेड गलत है मॉडल दिया हुआ है पास्ट है इसलिए पास्ट आएगा तो इफ यू वुड माइंड पूरा होना चाहिए इफ यू वुड माइंड स्टेइंग फॉर लॉन्ग ठीक है अगला वाला द बिकम टू टू मच क्लियर क्लियर मी तो बहुत ही clear बन गया मुझे है ना आफ्टर माई ट्यूटर शोड मी द डायग्राम जब मेरी ट्यूटर ने मुझे डायग्राम दिखाया तो कॉन्सेप्ट जो है वो मेरे लिए बहुत आसान बन गया ठीक है कॉन्सेप्ट बिकम टू मच क्लियर अभी अभी बताया ये वाला कॉन्सेप्ट जो कि बहुत टू मच क्लियर हो गया जल्दी से बताओ आंसर इफ के साथ विल नहीं आता तो वुड भी नहीं आएगा इफ वाला है क्या अरे ये इफ कौन सा है ये इफ कंजंक्शन वाला है कनेक्टर कंडीशनल नहीं है क्या वो माइंड करेगा वेदर और इफ का यूज करते हैं ना हम लोग वो वाला इफ है ये समझे ये डिफरेंस है हाँ, तो टू मच क्लियर की जगह मच टू क्लियर होगा क्योंकि क्लियर एडजेक्टिव है टू मच की जगह मच टू वाला कांसेप्ट ऑलरेडी आ चुका है वही करेंगे है ना अभी पिछला क्वेश्चन आया था 2021 में दो बार आ गया ये अगला क्वेश्चन द बलून फ्लू अप ऊपर उड़ गया है ना एज सुन एज द मैन कटिंग द स्ट्रिंग जैसे ही मैन ने स्ट्रिंग को कट करा वैसे ही हाँ नरेशन वाला है क्या तुम माइंड करोगे इफ ही वुड माइंड ये वाला है तो इसमें इफ आ सकता है इसमें वुड भी आ सकता है ठीक है आइए बलून ऊपर उड़ गया एज सुन एज द मैन कट द स्ट्रिंग जैसे ही मैन ने कट किया वैसे ही बलून ऊपर उड़ गया सेकेंड फॉर्म आएगा आई कभी भी इसे मार के बिना नहीं आता है तो कटिंग उड़ाएंगे कट लगाएंगे ठीक है ये राइट right आंसर होगा कट नेक्स्ट वन इट इज मिसलीडिंग ये मिसलीडिंग है इमेजिन करना दैट कंप्यूटर्स कैन थिंक सेम लाइक ह्यूमन ये मिसलीडिंग है ये ये सोचना ही मिसलीडिंग है कि कंप्यूटर्स ह्यूमन की तरह सोच सकते हैं कंप्यूटर्स ह्यूमन की तरह सोच सकते हैं ये सोचना मिसलीडिंग है Session चला गया है सामने से हां जी प्रेपोरेशन करवाएंगे बिल्कुल करवाएंगे चलिए आइए

लाइक like. लाइक like का मतलब क्या है जैसे तो लाइक like रहेगा आप यहां पर एडवर्ब लगा दो तो, तो सही हो जाएगा वरना ये सेम लाइक एक ही जैसा हो जाएगा ठीक like है और है, है। इसका दोनों सही। जैसे कि He is like me. एक ही सेंटेंस है और एक sentence है ही लाइक्स मी व्हाट इज द डिफरेंस ये सब्जेक्ट ये वर्व ये ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट वर्फ ये प्रेपोजिशन ये ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का ठीक है ये डिफरेंस है ही इज लाइक मी वो मेरी तरह है ठीक है और ही लाइक्स भी मुझे लाइक like करता है डिफरेंस है हाँ जी डेस्कटॉप पे चलता है 99 वाला जो हमारा मॉक टेस्ट वाला सेशन है जिसमें मॉक टेस्ट के साथ साथ प्रैक्टिस सेशन के साथ साथ टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के साथ साथ बहुत सारी और चीजें मिल जाती हैं लगभग 125 सेशंस होते हैं 99 का सीजुअल मॉक टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा है प्रैक्टिस के लिए और लेवल बिल्कुल सीजल वाला ही है तो यू कैन गो फॉर अगर आपको अच्छा नहीं मिल रहा है कहीं पर तो आप ट्राई कर सकते हो ठीक है

क्या बोलते हैं खाने पीने का जो व्यंजन होता है रेसिपीज होती हैं जो होता है कुछ जहां पर खाना मिलता है वो ज्यादा है नया इटरी शॉप जो है उसमें ठीक है तो इज मच मच आ रहा है और ध्यान है कंपेरेटिव डिग्री कंपेरेटिव डिग्री में ई नहीं लगता है बेस्ट का कंपेरेटिव डिग्री बेटर होता है तो बेस्ट टू रहो बेटर लगाओ आंसर पाओ और आगे बढ़ जाओ मच बेटर देन अगला क्वेश्चन द कमिटी अग्रीड कमिटी अग्री हो गई कमिटी अग्री हो गई दैट स्मॉल बिजनेसेस हैज बीन एडवर्सली अफेक्टेड बाय कोविड नाइनटीन कि कमिटी ये बात मानती है कि जो स्मॉल बिजनेसेस थे जो छोटे-छोटे बिजनेसेस थे वो क्या हुए हैं अफेक्टेड हुए हैं बुरी तरीके से अफेक्टेड हुए हैं प्रभावित हुए हैं ठीक है स्मॉल बिजनेसेस लिखा हुआ है सो हियर सब्जेक्ट इज प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंपल प्लूरल वर्ब का सब्जेक्ट एग्रीमेंट में हमने बहुत बार ही सीखा और बहुत ज्यादा बार आने वाला क्वेश्चन है हाँ जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं टाउन टाउन में एंटर करने के बाद देखो मैंने आपको बताया था

टर्ड्स योर लेफ्ट अपने लेफ्ट साइड में टू रीच द मॉल मॉल जाना है ना क्या करना है ये करना है क्या हुआ अब टर्न क्या होता है शार्पेस्ट टर्न गलत है ना क्योंकि जब आप शार्पेस्ट कह रहे हो तो आप द लगाओ ना और द लगाओ सबसे ज्यादा जो शार्प होगा वो नहीं होगा क्योंकि आप क्या बता रहे हो अब बता रहे हो कि एक सीधा शार्प टर्न ले आप पहुंच जाओगे जनरल राइट आंसर अगला क्वेश्चन करिए

फॉर रिहर्सल आफ्टर 3 पी एम तीन बजे के बाद रिहर्सल के लिए रुकने के लिए उनको बोला जा रहा है हैव आ रहा है हैव बीन है बी के बाद हमारा वी वन गलत होता है वी टू कर दोगे तो भी गलत है वी थ्री अब कई बार वी टू और वी थ्री सेम होता है तो हमें समझना होगा वी टू नहीं आएगा यहाँ पर ये वी थ्री ही है तो हैव बीन नोटिफाइड अगला क्वेश्चन ये क्या है ये क्या है? ठीक है ओके मिथिला आर्ट ट्रेडिशन इज पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन थ्रू अ नेक्स्ट बाय चिल्ड्रन वाचिंग एंड हेल्पिंग देयर मदर्स एंड ग्रैंड मदर्स मिथिला आर्ट ट्रेडिशन सब्जेक्ट है इज पासड ऑन वो पास ऑन होता है पास ऑन मतलब एक से दूसरे को जाता है फ्रॉम वन जनरेशन एक जनरेशन से अनादर पे है ना नेक्स्ट जनरेशन पे बाय चिल्ड्रन बच्चों के द्वारा वाचिंग हु वॉचिंग एंड हेल्पिंग देयर मदर्स मदर्स जो अपनी को ग्रैंड मदर्स को काम करते हुए देखते हैं या उनकी हेल्प करते रहते हैं उनसे ही जो ट्रेडिशन है ये आगे आगे जाता रहता है सी फ्रॉम का जो प्रपोजिशन होता है कनेक्टेड वो टू होता है ना बेटा फ्रॉम टू पी एम टू फोर पी एम फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई है ना ऐसे करके तो फ्रॉम के साथ टू आता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट नेक्स्ट हो गया फर्स्ट हो गया लास्ट हो गया सेकेंड हो गया थर्ड हो गया फिफ्थ हो गया हंड्रेड हो गया टेंथ हो गया इन ये सब सीक्वेंस वाले adjectives है ऑर्डिनल बोला जाता है इनके साथ जो हमारा आर्टिकल होता है वो हमेशा द आता है तो द आएगा टू द नेक्स्ट इस पार्ट में एरर है टू द नेक्स्ट कहां पर है एरा टू अ की जगह आपको टू अग टू राइट आंसर ठीक है देखो वन वन सेवन हो गए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं एक मिनट का क्वेश्चन मैं निकाल के चल रही हूँ नेक्स्ट स्लाइड वन वन एटीन वन वन एट है फटाफट आप कर ही लोग एक मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं उसके बाद आंसर करेंगे ठीक है एक मिनट का ब्रेक में वापस मिलते हैं हेलो 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 ऑडिबल चलिए अरे बहुत ही आसान क्वेश्चन देख के चल गई क्या मैं आपको पिछले वाला देख के जाना चाहिए था है ना टू सोल्ड लिख दिया गया टू प्लस वर्ष आ जाता है सबको सोल्ड उड़ाओ सेल लगाओ आंसर से पाओ आगे बढ़ जाओ आसान सा क्वेश्चन है। ये रहा नेक्स्ट वन। ट्वेंटी टू थाउजेंड ट्वेंटी यहाँ पर खत्म हो गया है एंड तो अब हमारा बचता सिर्फ एक पार्ट जो कौन सा है टू थाउजेंड ट्वेंटी वन वाला जो दो हजार बाईस में हुआ था मतलब द लेटेस्ट

इकोनॉमी फेल दिस ईयर अगर इस साल इकोनॉमी फेल हो जाती है इफ लगा हुआ है कंडीशन अप्लाई हो रही है अगर इस साल कंडीशन सॉरी इस साल इकोनॉमी फेल हो जाती है इट रिफ्लेक्ट बैडली ऑन गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट पे बहुत ही बुरा असर पड़ेगा इसका ठीक है तो यहाँ पर क्योंकि इकोनॉमी के साथ वह फर्स्ट लग रहा है प्रेजेंट सिंपल तो यहाँ पर इट के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा हमें लगाना पड़ेगा इट विल रिफ्लेक्ट बैडली ऑन गवर्नमेंट इस पार्ट में राइट आंसर आ आँ जाएगा फ्यूचर सिंपल फ्यूचर सिंपल नेक्स्ट नो वन वर प्रेजेंट व्हेन आई एंटर्ड द हॉल जब मैं हॉल में, में पहुंची कोई वहां पर प्रेजेंट नहीं था नो no वन लिखा हुआ है सब्जेक्ट सिंगुलर है वर की जगह यहाँ पर वॉज आ जाएगा ओके तो वर हटाओ वॉज लगा दो राइट आंसर आ जाएगा अगला वाला क्वेश्चन ये रहा वी स्टे सॉरी वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट ड्यूरिंग ही वॉज ऑनरली डे

अलाउड हिस्सान अलाउड किया अपने और यहाँ पर प्रेजेंट है तो ऐसे लगाएंगे पर पास्ट है तो वॉन्स की जगह वॉन्ड करेंगे और राइट right आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाले में ठीक है ऐसे नहीं लगाएंगे नेक्स्ट वन डू यू रिकॉल क्या तुम्हें याद है रिकॉल करना क्या तुमने रिकॉल किया है कभी क्या तुम रिकॉल करती हो कभी क्या तुम्हें रिकॉल है टू मीट हर एट द पार्टी लास्ट नाइट कल तुम पार्टी में उससे मिली थी क्या उससे मिलना तुम्हें याद आ रहा है क्या तुम रिकॉल कर पा रहे तो रिकॉल के बाद जो एक्शन है ये हमारा इन्फिनेटिव है इन्फिनेटिव लगता है अनस्टार्टेड एक्शन के साथ जैसे कि आई डिसाइडेड टू मीट आई decided टू मीट मैंने डिसाइड किया है मिलने का तो क्या मैं मिली उससे नहीं मैं उससे मिली नहीं हूं राइट तो यहाँ पर तो ये अनस्टार्टेड एक्शन है सही है पर यहाँ पर started action है. क्या तुम्हें याद है उससे मिलना तो मिल चुके हैं पहले स्टार्टेड एक्शन के साथ जैरिन लगता है Do you recall meeting her? क्या तुम्हें उससे मिलना याद है कल रात को मिली थी ये सही होगा अगला क्वेश्चन टू मीटिंग नहीं आएगा

जो रीसेंट हाइक हुआ है उसकी बात कर रहे हैं अगला वाला योर नेम प्रोसीड्स बिफोर माइन इन द एडमिशन लिस्ट एडमिशन लिस्ट में तुम्हारा नाम मेरे नाम के पहले आता है प्रोसीड्स है प्रोसीड्स के बाद क्या लगेगा बिफोर प्रोसीड के बाद बिफोर जो प्रेपोजिशन होता है वो सही नहीं होता है योर नेम प्रोसीड्स बिफोर माइन की जगह योर नेम प्रोसीड्स माइन प्रोसीड का मतलब ही के पहले होता है पहले आता है है ना वह के पहले आना तो सुपर है बिफोर यहाँ पे से हट जाएगा थ्री पार्ट में एरर हो जाएगी अगला वाला क्वेश्चन नो सुनर डिड द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग जैसे ही बच्चे ने स्टार्ट किया क्राई करना सॉरी लगेगा बहुत बार आ चुका ये क्वेश्चन है इट इज नॉट वर्थ हैविंग द ट्रवल टू राइट टू हिम एज ही नेवर रिप्लाइज उसके लिए ट्रैवल लेने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो रिप्लाई नहीं करता है कि इट इज नॉट वर्थ हैविंग अ ट्रैवल हैविंग अ ट्रैवल या टेकिंग अ ट्रैवल भी हो सकता है ना टू टेक अ ट्रैवल डोंट टेक ट्रैवल ऐसे करके ये हैविंग हट जाएगा टू टेक अ ट्रैवल इट इज नॉट वर्थ टू टेक अ ट्रैवल या टेकिंग अ ट्रैवल क्योंकि वर्थ के साथ जेरंड आता है यस टेकिंग अ ट्रैवल ट्रवल करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा ओल्डर ब्रदर, जो क्या है, dentist है। My older brother, which you will meet later, जिससे आप बाद में मिलोगे यू सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आ रहा है जब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आ रहा है ब्रदर हमारा ह्यूमन है विच नहीं आएगा यहाँ पर क्या आएगा होम जब सब्जेक्ट प्लस व आता है तो हम होम लगाते हैं जब सिर्फ सब्जेक्ट आ रहा है सब सिर्फ आ रहा है तो लगाते हैं हु यहाँ पे गलत हो जाएगा होम यू विल मीट लेटर होम लगाओगे राइट right आंसर आ जाएगा अगला क्वेश्चन माई हाउस इज मोर स्पेशियस देन सिस्टर्स मेरा हाउस ज्यादा स्पेशियस है मेरी सिस्टर के हाउस से सिस्टर से स्पेशियस नहीं है सिस्टर के हाउस से स्पेशियस है ठीक है तो माई हाउस इज मोर स्पेशियस देन माई सिस्टर्स मेरे सिस्टर्स तो सिस्टर्स हाउस कर सकते हो या तो माय सिस्टर्स कर दो या फिर माय सिस्टर्स हाउस कर सकते हो या फिर दैट ऑफ माय सिस्टर तीन तरीके से आप इसको कर सकते हो दिस इज वन दिस इज टू दिस इज थ्री ठीक है देर आर थ्री वेस तीनों तरीके से कर सकते हो राइट right आंसर हमारा कौन सा होगा माई सिस्टर इस पार्ट में गलती है दिस इज टू ग्रेव सीन टू बी पार्डन पार्डन करने के लिए माफ करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा ग्रेव सीन है इतना सीवियर है कि इसको माफ नहीं किया जा सकता कौन सा इफ यू डू नॉट इफ यू डू नॉट लाइक द सेशन ये टू ग्रेव है टू बी पार्डन ये इतना ग्रेव सीन है कि इसको माफ नहीं किया जा सकता टू नेगेटिव है टू ग्रेव Sin, इतना ज्यादा है कि माफ करने के लिए माफ करने के लिए कुछ ज्यादा ही तो तो आर्टिकल लेता है और फिर आपका नाउन यहाँ पर सेट होता है क्योंकि नाउन के लिए आएगा आर्टिकल ठीक है तो यहाँ पर आपको अ लगाना पड़ेगा या एन पर के साउंड के अकॉर्डिंग आप आ लगाओगे राइट आंसर ये आ जाएगा ठीक है तो भाई चेक कर लो आपने कहीं इतना ग्रेव सीन तो नहीं कर दिया है ग्रेव सिन तो नहीं कर दिया है सिन यानी क्या होता है पाप इतना सीरियस पाप तो नहीं कर दिया आपने ग्रेव इज सीरियस चेक कर लीजिए अगर आपने इतना सीरियस पाप करने से आपको बचाना तो जल्दी से देख लो नहीं बचा पाए तो बचा लो फटाफट से आपके पास थ्री मिनट्स फटाफट जिस जिसने लाइक नहीं किया सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिए आइए ओल्डर एल्डर में क्या डिफरेंस है बताओ कोई रिलेशन वाला होता है और एक नॉन रिलेशन ब्लड रिलेशन होता है तो एल्डर एल्ड आता है ओल्डर किसी भी पुरानी चीज के लिए फर्नीचर ओल्ड होता है ना एल्डर थोड़ी होता है तो किसी भी चीज के लिए हम ओल्ड old, ओल्डर लगाते हैं और ब्लड रिलेशन के लिए एल्डर एल्डस्ट लगाते हैं ठीक है चलिए एंटीक डायमंड नेकलेस वॉज स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम म्यूजियम से एंटीक डायमंड नेकलेस जो है वो चोरी हो गया है, है? ठीक से चोरी हो गया क्या डायमंड वो चोरी हो गया हाँ, अब एंटीक डायमंड नेकलेस नेकलेस तो हमारा नाउन है नाउन को अगर आपने बिना आर्टिकल दिया तो वो हमेशा गलत होता है हमेशा गलत होता है ठीक है

नो no एरर का ऑप्शन कुछ ही जगह आता है हर जगह नहीं आता है ओल्डर का एरर क्यों नहीं किया क्योंकि ओल्डर जो होगा वो चीज़ों के लिए आएगा ओल्डर देन है ना ओल्डर तो घर है ही बात देन कुछ ऐसा था ना वो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं मुझे याद नहीं है ऐसे आएगा नहीं हाँ एल्डर का भी एरर होगा बिल्कुल सही है ब्रदर है तो एल्डर होगा राइट बेटा तो फिर ये तो डबल वाला हो गया डबल वाला एरर हो गया ये ठीक है दो एरर है बोनस का क्वेश्चन आएगा शी परसिस्टेड टू डूइंग व्हाट शी वांटेड डिस्पाइट अपोजिशन ऑपोजिशन के बावजूद भी जो वो चाहती थी जो वो चाहती थी उसने वो करना जारी रखा परसिस्ट करते हैं तो किसी काम को करना जारी रखना होता है ठीक है ठीक है तो शी परसिस्टेड इन डूइंग समथिंग फिक्स प्रेपोजिशन होता है इन लेता है इट हैज बीन रेनिंग सिंस टू आवर्स द चिल्ड्रन आर एट होम क्योंकि दो घंटे से बारिश हो रही है बच्चे जो है वो घर पर है नेकलेस प्लूरल नहीं होता है नेकलस प्लूरल होता है नेकलसेस नेकलेस सिंगल ठीक है क्योंकि बारिश हो रही है दो घंटे से दो घंटे से बारिश हो रही है फिक्स टाइम आ रहा है फॉर लगा दो आ चुका है हाउ मेनी एग्स वर पुट इन टू द बास्केट कितने एग्स रखे गए हैं बास्केट में यहाँ से उठा के बास्केट में रखना बाहर से चीजों को अंदर डालना इंटू इन मोशन के लिए यूज होता है ठीक है तो हाउ मैनी एक्स काउंटेबल है मैनी भी सही है वर एक्स के साथ आ रहा है ठीक है पुट हमेशा थर्ड फॉर्म होता है इनटू है, भी भी सही है, the basket भी सही है है द बास्केट नो एरर राइट आंसर हो जाएगा अगला वाला क्वेश्चन वी हैव नॉट मेट सम ऑफ आवर फ्रेंड्स सिंस सिक्स मंथ्स हम अपने कुछ फ्रेंड्स से अभी तक नहीं मिले हैं सिक्स मंथ्स से नहीं मिले फिक्स टाइम आ रहा है फॉर लगाओ आंसर पाओ सिंस फॉर के क्वेश्चन को अभी ज्यादा नहीं समझाना है अगला क्वेश्चन 137 पे आ गए पुटेड कौन लिख रहा है यहाँ पे पुटेड कहाँ से आ गया पुटेड वाला क्वेश्चन बहुत पहले करवाया था अगर आप पीछे से देखो पुट जो होता है वो थर्ड फॉर्म में भी पुट होता है ठीक है हाँ द पुलिस मैन आग्स्ट नहीं, किसी पर्टिकुलर पुलिस की बात हो रही है पर्टिकुलर पुलिस मैन ने पूछा बहुत सारे लोगों से बट लेकिन नो वन वॉज नोइंग किसी को पता ही नहीं था हाउ द एक्सीडेंट एक्सीडेंट कैसे हुआ नो no, जो है हमारा वो हमेशा कैसा होता है आई में कभी नहीं आता क्योंकि क्योंकि मेंटल एक्शन है तो हम क्या करेंगे पास्ट सेकेंड फॉर्म लगा दो नो वन न्यू अब वॉज भी उड़ाएंगे जब सेकेंड फॉर्म लगेगा क्योंकि बी के साथ नहीं आता है किसी को नहीं पता था नोन कहां से कर दिया यार आपने कर दोगे तो पैसिव हो जाएगा नो वो नो टू मी मुझे कोई नहीं जानता नो किसी को नहीं पता था नहीं पता था नहीं पता था नहीं पता था क्या हाउ द एक्सीडेंट ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है जब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का ये ये है तो अब वॉज कैसे लगा दोगे वॉट का आंसर नहीं आ रहा है क्या वॉट क्लॉज है ये किसी को नहीं पता था क्या कि एक्सीडेंट कैसे हुआ नो वन न्यू किसी को नहीं पता था राइट आंसर ये होगा नोन रखोगे गलत हो जाएगा कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए अगला वाला इफ ही वॉन्ट्स फर्दर इंफॉर्मेशन सेंड इट टू मी अगर इसको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए मेरे पास भेज दो ठीक है इफ यू फर्दर इमेशन फर्दर है सबको और फर्दर ये डिस्टेंस के लिए और ये मोर के लिए ज्यादा के लिए <coughs> अगर उसको और डिस और चाहिए एक सेकेंड उसको और इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे पास भेज दो तो फर्दर ही आएगा मोर के लिए फार्दर हटाएंगे फर्दर लगा देंगे नेक्स्ट वन योर एल्डस्ट सिस्टर लिव्स इन अ बिग सिटी आपकी बड़ी सिस्टर जो है वो बिग सिटी में रहती है 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 ना बड़ी शहर में रहती है. Does she? नहीं रहती डस शी नहीं क्या अभी उसका क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है योर एल्डस्ट सिस्टर ये देखो यहाँ पर एल्डस्ट सही है ना आपकी जो बड़ी सिस्टर है सबसे बड़ी सिस्टर है उसकी बात करें वो लिव्स इन अ बिग सिटी वो तो बड़े शहर में रहती है नहीं रहती है क्या यहाँ पर वो हमारा फर्स्ट है ठीक है अब पॉजिटिव सेंटेंस है नेगेटिव टैग आना चाहिए डजेंट लगा दो बस इतना सही हो जाएगा डजेंट शी सेंटेंस इंप्रूवमेंट करेंगे कुछ दिनों बाद है ना पहले वो कैब के सेशन कर लेंगे उसके बाद टोटल क्वेश्चन है 184 एटी फोर है ना थर्टी नाइन पे पहुंच गए पचास क्वेश्चन लगभग लगभग अभी बचते हैं तो कितना लगेगा आधे घंटे और लगेगा यू शुड हैव रिस्पॉन्ड यू शुड हैव मॉडल है वर्ब फर्स्ट आ गया हैव के बाद वर्ब फर्स्ट है तो गलत है हैव के बाद हमेशा वर्ब का

मैनेजर साइड मैनेजर ने बोला क्या बोला प्लीज कन्फर्म मी क्या आप मुझे कन्फर्म कर सकते हो वेदर यू हैव रिसीव क्या आपने रिसीव uh, कर लिएट यू है ऑर्डर करे थे क्यूडी प्लीज कन्फर्म मी क्या कन्फर्म uh, कर सकते हो मुझे वेदर यू हैव रिसीव आप देखो डायरेक्ट सेंटेंस यहाँ पे पास है यहाँ परिखा हुआ है और यहाँ पर प्रेजेंट हुआ तो जनरली तो यहाँ पर कैन आना चाहिए कैन यू अपर रिक्वेस्ट है तो कुड भी सही होता ये प्लीज आप कर सकते है इंक्वायरी क्या? क्या तो ये, ये कर रहे हैं यहाँ पर हाँ करना आप वेदर की जगह लगा सकते हो पर वेदर भी मुझे लगता है कि आपने पा लिया है सारा पर और आता है तो हम वेदर को प्रेफर करते हैं पर ऐसा नहीं है कि आप इसको गलत करोगे हम देखते हैं क्वेश्चंस में इफ पैदर दोनों सही होता है यहाँ पर कंफर्म के साथ मी लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा ये बताओ कि आप कंफर्म कर सकते हो कंफर्म करना है कंफर्म करना है कर... <coughs> एक सेकेंड Confirm करना है क्या वेदर यू हैव कि क्या आपने रिसीव कर लिया है ठीक है तो आप क्या करोगे एक सेकेंड ये वाला जो ये चीज है ना ये पैसे वो इंड नहीं है डायरेक्ट है ये सही है पहले सबसे बाद में वो सही है कंफर्म वेदर कंफर्म आएगा वेदर आएगा नहीं हैड नहीं हो सकता अच्छा यहाँ पर भी पास्ट है और यहाँ पर भी पास्ट है यहाँ पर भी पास्ट करने बोल रहे हो नहीं क्या आपने जो आपने ऑर्डर दिया था वो आपने पा लिया है क्या नहीं प्रेजेंट सही है सही है मुझे कोई गलती नहीं लग रही बस ये मी में मुझे डाउट लग रहा है कंफर्म मी आएगा या नहीं आएगा कंफर्म वेदर यू हैव रिसीव्ड और नॉट ठीक है नेक्स्ट एथेंस वाज़ अ मोस्ट लिम्यूनियस ऑफ ऑल सिटी स्टेट्स ऑफ एंशियंट ग्रीस एथेंस यहाँ पे शहर का नाम है एंशियंट ग्रीस जो था ना उसके सारे सिटी स्टेट्स में सबसे ज्यादा ल्यूमिनियस कौन था Athens था एथेंस ठीक है ठीक है आगे अब देखो मोस्ट मोस्ट लिमिनियस आ रहा है मोस्ट लिमिनियस यानी सबसे ज्यादा चमकदार शाइनी क्लियर है ना द लगेगा केवल सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा अगला वाला क्वेश्चन नेक्स्ट वी थॉट हमने सोचा देर वॉज अ गुड आइडिया ये गुड अच्छा ये अच्छा आइडिया था टू वियर स्नो बूट्स स्नो बूट्स पहनना बिफोर बी स्टेप आउट बाहर निकले उससे पहले पहनना अच्छा आइडिया तो देर में नहीं आएगा इट वॉज अ गुड आइडिया क्योंकि इट आएगा ये अच्छा आइडिया था कि ये बोलने के लिए ठीक है अगला वाला क्वेश्चन द कंट्रास्ट बिटवीन ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप आर स्ट्राइकिंग स्ट्राइकिंग है एकदम जनजन आखिर रख देने वाले हैं एकदम स्टैगर uh, कर देने वाले हैं आपको जो कंट्रास्ट है उनमें बिटवीन और अदर कंट्रीज के बीच में जो कंट्रास्ट है तो कंट्रास्ट हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है क्योंकि बिटवीन हमारा preposition है आगे वाले सब प्रेपोजिशन क्या ये सब्जेक्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब आएगा इज स्ट्राइकिंग ठीक है इस वाले में नेक्स्ट क्वेश्चन एवरी सैटरडे हर सैटरडे को द वर्कर्स गुड आइडिया हाँ, भी ठीक है दर्कर्स के साथ गेट्स लगा हुआ है गलत हो जाएगा रूरल सब्जेक्ट प्लूरल प्लुरल पोजेसिव है देख लो है ना इसलिए गेट ही रखेंगे इसको सिंगुलर नहीं करेंगे राइट right आंसर ये हो जाएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने इट हेज बीन रेनिंग टू आवर्स दो घंटे से बारिश हो रही है सिंस नहीं आएगा टू आवर्स के लिए फॉर आएगा सिंस फॉर लगाओ आंसर पा जाओ अगला क्वेश्चन आपके सामने दे आर सोसाइटी दिस मंथ थ्री ब्रेक्स इन हो गए हैं हमारे सोसाइटी में दिस मंथ इस महीने में थ्री ब्रेक्स इन हो गए हैं ठीक है तीन बार घुसपैठ हो गई है हमारे सोसाइटी में इस महीने बताइए तीन ब्रेक हो गए हैं घुसपैठ है ना ब्रेक इन हाँ ये गलत है बेटा ये गलत है ब्रेक इन ये होगा जैसे पासर्स बाय होता है ना वैसे करके तो इसमें मेन आता है पासर बाय में ठीक है और एक होता है कई बार प्रेपोजिशन में आता है कई बार नहीं आता है ये सही है ब्रेक राइट आंसर नाउ आजकल कॉमन कॉमन पीपल टेक इंटरेस्ट आम आदमी टेक इंटरेस्ट इंटरेस्ट लेते हैं इन द मैनर उस तरीकों में इन विच देवर गवर्नमेंट गवर्न जिस तरीके से उनको गवर्न किया जाता है आज के बात हो रही है आजकल जो आम आदमी है वो भी इंटरेस्ट लेते हैं उस तरीके में जिस तरीके से उनको गवर्न किया जाता है है ना ये बोला जा रहा है तो आजकल की बात हो रही है आजकल कॉमन पीपल उस तरीके में इंटरेस्ट रहते हैं जिस तरीके से उनको गवर्न किया जाता है तो आजकल की बात हो रही है अगला वाला ही कैन वो उससे और पोलाइट हो सकता था और पोलाइट हो सकता था वो है ना अब यहाँ पर ही कैन हो रहा है कैन हैव बीन कभी नहीं आता है वुड हैव बीन शुड हैव बीन कुड हैव बीन माइट हैव बीन एक तो ये हो सकता है या फिर हो सकता है मस्ट हैव बीन क्योंकि मस्ट का कोई पास नहीं होता है इसके अलावा नहीं होगा कैन जो है यहाँ पर एट से स्टार्ट होती है क्लास है ना कैन उड़ाओ कुड लगाओ नेक्स्ट वन आई हैड ऑल द कंफर्ट टू लाइफ मेरे जीवन के सारे कम्फर्ट मुझे थे कब इन माई चाइल्डहुड मेरे बचपन में सारे कम्फर्ट्स थे ठीक है आई हैड ऑल द कम्फर्ट सारे कम्फर्ट से कब मेरे जीवन कम्फर्ट ऑफ लाइफ जीवन के सारे कम्फर्ट्स मुझे थे मेरे बचपन में नेक्स्ट वुड हैपन क्या होगा अगर ह्यूमन बींग्स वर गवन बाय रोबोट्स क्या होगा अगर ह्यूमन बींग्स को uh, क्या होता अगर ह्यूमन बींग्स को गवर्न कर दिया जाता रोबोट्स के द्वारा ठीक है कैन लिखा हुआ है तो सिंपली कुड लगा दो तो, इसलिए सही है हाँ वर है बी दिया हुआ है बी के बाद गवन दे दिया गया तो गवन हमारा वर्ब फर्स्ट है गवन में गवन लगाओ आंसर आपका आ जाएगा गवन ठीक है ये राइट आंसर है अगला वाला नेक्स्ट टास्क एट दर एबिलिटी अपने एबिलिटी से का जितना भी अपनी योग्यता के अनुसार जितना बेस्ट हो सकता था उसने वो टास्क उतना बेस्ट किया ऑफर एबिलिटी लिखा हुआ उड़ाएंगे यहाँ से और टू द बेस्ट फिक्स होता है टू द बेस्ट ऑफ आर एबिलिटी ठीक है राइट आंसर नेक्स्ट सेवरल मिनट सॉरी सेवरल मिनट फास्ट बिफोर शी रिटर्न वो वापस आई उससे पहले बहुत सारे मिनट्स गुजर चुके थे कैरी मिल्क फॉर द डॉग डॉग के लिए मिल्क लाएगी उससे पहले बहुत सारे मिनट्स जा चुके थे हाँ टू द बेस्ट राइट है उसमें लाइक hmm. like देख लीजिएगा बेटा सभी लोग है ना बहुत सारे मिनट्स गुजर चुके थे इससे पहले कि वो लेकर आती रिटर्न है रिटर्न के बाद कैरी लिख दिया गया ये खुद वो है और एक और वो आ गया यहाँ पर अब ये क्या होगा गलत है वो डॉग के लिए मिल्क लेकर आएगी बिफोर रिटर्न कैरिंग द मिल्क का का मतलब क्या हुआ लाते हुए 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 है ना रिटर्न रिटर्न लेके आते हुए, हुए, उससे पहले बहुत सारा समय गुजर चुका था कैरी गलत है वहां पे है ना बहुत सारे मिनट्स गुजर चुके थे और एक गलती before है बिफोर दे रखा है बिफोर में वी टू आ रखा है तो यहाँ पर हैड भी आना चाहिए बोनस का क्वेश्चन होगा ये दोनों गलती है कैरी तो आएगा नहीं वह फर्स्ट कैसे आ जाएगा रिटर्न कैरी द मिल्क कैरी मिल्क ये गलत है बोनस क्वेश्चन है ये नेक्स्ट वन दिस पार्क इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंक्चुरी इन द स्टेट ये वाला जो पार्क है वो सबसे बड़ा बर्ड सेंचुरी है इस स्टेट में ठीक है दो गलती है दो गलती है चलिए दिस पार्क इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन द स्टेट ये वाला पार्क इज आ गया द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी सबसे बड़ा बर्ड सेंचुरी तीनों पार्ट में सब कुछ सही है आपसे फॉर मेकिंग सच अली मिस्टेक की इतनी सिली मिस्टेक मैंने कर दी इसलिए मैं एंग्री थी ठीक है तो आई वॉज एंग्री ऑन माई सर एंग्री ऑन समथिंग एंग्री एट समथिंग एंग्री विथ समी होता है somebody आएगा क्योंकि ठीक है नेक्स्ट स्मिता लिव्ड इन द हाउस सिंस शी वाज फाइव ओल्ड जब से वो पांच साल की थी तब से वो यहीं रह रही थी राइट तो पास्ट है जब से वो पास्ट यहीं रह रही थी पांच साल की थी तो पास्ट में हैड बीन लिविंग करो She had been living here, जब से वो पांच साल की थी ठीक है ना लिफ्ट की गलत है ठीक है अगला वाला अशॉप नियर बाय पास में ही एक शॉप है वो क्या करती है सेल करती है ऑल द गुड्स ऑफ डेली यूज घर के रोजमर्रा का सामान बेचता है एक शॉप है उसमें बिकता है शॉप सेल्स सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब आना चाहिए सेल्स लगाओ आंसर पाओ आगे बढ़ जाओ अगला क्वेश्चन आपके सामने फॉर्मरली पहले बिफोर अ डॉक्टर ऑफ द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का डॉक्टर था नहीं या तो एट लिखोगे या इन लिखोगे है ना तब जाके सही आएगा डॉक्टर एट द कॉपरेट हॉस्पिटल या तो आप बैठ लिखो एड्रेस के लिए फिक्स के लिए या फिर आप इन लगा दो नेक्स्ट टीम हैव द मैच हमारी टीम ने मैच जीत लिया है हैव गलत है ना हैव क्यों नहीं आएगा क्योंकि टीम की बात हो रही है हैज आएगा ठीक है नेक्स्ट वन माई फ्रेंड्स आर गॉन ऑन अ ट्रिप टू गोवा टूडे आज ही मेरे फ्रेंड्स गोवा गए हैं ट्रिप पे तो प्रेजेंट तो लिटिल पास्ट पास्ट है पास्ट है उसके लिए हमें हमेशा फॉर्म लगाना होता है फ्रेंड्स वेंट ऑन अ ट्रिप टू गोवा टूडे सुनील रेफ्यूज सुनील ने मना कर दिया क्या अटेंड करने के लिए क्या द मीटिंग मना कर दिया अटेंड करने के लिए मीटिंग दोनों ऑब्जेक्ट है सुनील रेफ्यूज टू अटेंड इन्फॉर्मेटिव मीटिंग ये भी ऑफ एसोसिएशन एसोसिएशन से जो मीटिंग थी वो अटेंड करने के लिए उसने मना कर दिया अब एसोसिएशन से मीटिंग थी तो मीटिंग किसके साथ थी एसोसिएशन के साथ ठीक है, आएगा, right अगला वाला, ने कर लिए लिए को, को, उठा को, quite easily, बहुत आराम से, even they were heavy. Even मतलब तो क्या होता है यहां तक की सिर्फ एक एम्फोसिस के लिए आता है अभी पिछले ग्रामर में मैंने बताया था ठीक है तो हालांकि वो हैवी थे है ना ये होना चाहिए हालांकि वो हैवी थे उसने उठा लिया तो के साथ आपको दो लगाना पड़ेगा यहाँ तक कि हालांकि वो हैवी थे या तो आप दो लिखो या फिर आप इवन हटा के दो लिखो है ना कुछ भी करो पर आपको यहाँ देना पड़ेगा। सही उठाना। पिक अप, पिक अप कर दे किसी को कहीं से उठा लिया पिकअप कर दिया ड्रॉप कर दिया उसको पिकअप सही है इवन नहीं आएगा या तो एवन, एवन के साथ कोई ना कोई कंजंक्शन आना चाहिए क्योंकि इवन हमारा एडवोवेस के लिए था आपको यहाँ पर कंजंक्शन चाहिए नेक्स्ट वन हॉलीडे होमवर्क आर असेंशियल टू की दौरान देखो ड्यूरिंग प्रपोजिशन हमेशा दौरान के लूज होता है बच्चों को वेकेशन के दौरान बिजी रखने के लिए हॉलीडे होमवर्क जो है वो एक वो इम्पोर्टेंट है ठीक है तो हॉलीडे होमवर्क आर असेंशियल की जगह इज असेंशियल करोगे राइट आंसर आ जाएगा

हैंडीक्राफ्ट आर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू सेवरल यूरोपियन कंट्रीज इंडिया से बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में इसको भेजा जाता है भेजा जाता है Handicrafts होना चाहिए क्योंकि बी प्लस बी थ्री आता है ठीक है एक्सपोर्टेड कर दोगे राइट आंसर हो जाएगा अगला वाला गेट ऑफ फ्रॉम योर प्लेस अपनी जगह से उठो जल्दी से सारे गेट ऑफ फ्रॉम योर प्लेस स्लोली धीरे से है ना एंड टर्न और पीछे मुड़ो अपनी जगह से उठो धीरे से और पीछे मुड़ो तो धीरे से उठो उठना है उठना उठना कैसे धीरे से स्लो यानी धीरे वॉक स्लोली ठीक है धीरे से कोई भी बात का कोई भी काम करने के लिए वाई राइट आंसर अगला वाला लाइक like करने की स्पीड काफी धीरे हो गई है रीजन क्या हो गया आप केयर करोगे एक हॉट कॉफी के लिए केयर फॉर मतलब लाइक like. ऑफर तो करने के लिए हमें जनरली किसका यूज करना होता है वर्क देन दॉस कॉल्ड हिम हार्डली उन्होंने कंप्लीट किया था कि एकदम से बॉस ने उनको बुला लिया अब हार्डली है हार्डली का जो पेयर बनता है वो क्या बनता है when बनता है तो हार्डली के साथ when लगाओ आंसर पाओ देन यहां पर हमेशा नो सूनर के साथ लगता है यहां नहीं आएगा नेक्स्ट वन वी बॉट टू डजंस मैंगोस फ्रॉम द मार्केट ये कॉन्सेप्ट नाउन में पढ़ते हैं डजन अगर इसके पहले कोई नंबर नहीं लेता है है ना तो हम इसके साथ एस लगाते हैं और अगर इसके साथ कोई फिक्स नंबर आ रहा है तो हम डजन के साथ एस नहीं लगाएंगे क्योंकि एस हमेशा लास्ट वाले में लगता है फिर ऐसे में है ना तो इसमें लगेगा इसमें नहीं लगेगा तो टू डजन आ रहा है स्पेसिफिक नंबर दे रखा है यहाँ पर एस नहीं लगेगा टू डजन मैंगोस इस वाले में अगला वाला माई फ्रेंड हुज लेग मेरा दोस्त जिसके जो लेग्स थे वो कैसे थे फ्रैक्चर थे हैज रिकवर्ड मेरा दोस्त कौन सा दोस्त जिसका लेग फ्रैक्चर था देखो बेटा अगर आपको यहाँ डाउट है कि यहाँ पे हुज हुए या होम लगाए तो इसके और इसके बीच में का लिख कर देखा करो अगर का फिट हो रहा है मेरे फ्रेंड का लगेगा अगर का फिट हो रहा है ना तो आप यहाँ पर हंड्रेड परसेंट अगर का फिट नहीं हो रहा है तो आप हु या हु में से चुन लो हमेशा ध्यान रखना ये ट्रिक है छोटी सी जो आपको हेल्प करेगी अगला वाला क्वेश्चन पॉल वॉज बाइटेड बाय अ डॉग आ चुका है ये क्वेश्चन ना स्नेक बाइट कर दिया था ऑन द वे वाला आया था तो बाइट का थर्ड फॉर्म बिटन होता है तो और बी है बी के बाद थर्ड फॉर्म आएगा हटाओ बिटन लगाओ राइट आंसर आपका आ जाएगा अगला क्वेश्चन दे होल किया सारे ऑन दर्लियस्ट ऑन हिज बेस्ट रखा था टू हिस्सा ऑन हिस्सिस्ट की जगह टू दर्लिएस्ट ये भी फिक्स होता है अर्लिएस्ट या एट द अर्ट क्या होगा

these kind of novels इस तरीके की नॉवेल्स मुझे पसंद नहीं है खत्म होने वाला सेशन है लगातार अब कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं ना लगभग 8 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं 8 या 10 क्वेश्चंस so, तो तो रैपिड फायर करवा दूं फटाफट से आंसर करते जाइएगा फटाफट आई डू नॉट लाइक टू रीड दीस काइंड्स हो जाएगा यहाँ पर है ना क्योंकि वहां पर दीस आ रहा है प्लुरल नाउन के साथ प्लुरल ये प्लुरल के साथ प्लुरल ही आएगा दीस काइंड्स ऑफ नॉवेल्स ये भी सही है काइंड्स के साथ ये तो आएगा ही आएगा इस तरीके की नॉवेल्स मुझे पसंद नहीं है दिस आता तो आप काइंड करते दिस काइंड चलिए आंसर करिए सेवेंटी सेवन का आंसर करिए सेवेंटी सेवन जल्दी से गो फॉर वॉकिंग इन द पार्क क्या हम वॉक करने चले पार्क में है ना तो फॉर वॉकिंग थोड़ा होता है फ्रेज होता है तो फॉर अ वॉक आई एम सॉरी आई एम सॉरी फॉर अ वॉक ठीक है राइट आंसर नेक्स्ट वन अमंग यू एंड मी तुम्हारे और मेरे बीच में ना शी इज क्वाइट रूट टू द बॉय वो काफी रूड है वो काफी रूड है तो अमंग यू एंड मी तुम और मैं की बात करें तो अमंग आएगा या तो आप बिटवीन लगाओ पर ये सेंस नहीं देगा बिटवीन यू एंड मी शी इज क्वाइट रूट टू द बॉय ठीक है बिटवीन और एंड का पेयर होता है तो हमने बिटवीन लगा दिया नेक्स्ट वन आई फाइंड सॉरी आई फाइंड दैट मैंने मैं पाती हूँ सेल्फ टायर्ड वेरी इजिली मैं इन दिनों काफी जल्दी से टायर्ड हो जाती हूँ आई गेट माई सेल्फ टायर्ड आई गेट माई सेल्फोड़ ना होगा आई गेट टायर्ड मैं हो जाती हूँ कोई करता नहीं मैं अपने आप को टायर्ड कर देती हूँ ये सेंस गलत है ठीक है आई गेट टायर्ड मैं थक जाती हूँ बहुत आसानी से इन दिनों अगला वाला माई गाइड वॉज ब्लाइंड मेरे गाइड जो थे वो ब्लाइंड थे ठीक है हाँ जी मिशन एस एस सी सीजल बिल्कुल सही लिख रहे हैं बेटा आप अमंग इज फॉर थ्री और बिटवीन टू के लिए होता है फिक्स हो तो थ्री के लिए भी बिटवीन यूज होता है पर अमंग टू के लिए कभी भी यूज नहीं होता है माई गाइड वॉज ब्लाइंड मेरे गाइड जो थे वो ब्लाइंड थे बट ही ब्रिंग मी होम सेफली पर उन्होंने मुझे घर सेफली पहुंचा दिया ब्रॉट मी होम सेफली ठीक है ना ब्रिंग bring कर दोगे तो भी गलती हो जाएगा टीम बहुत आसानी से जीत गई एट द रीसेंट स्पोर्ट्स इवेंट रीसेंटली बहुत आसानी से जीत गई ठीक है एट नहीं लोकेशन की बात नहीं कर रहे इन द रीसेंट फ्रेजल वर्ब इंपॉर्टेंट वैसे मैं करा चुकी हूँ ना माही मेरा एक वीडियो है का। that is more than enough actually इतना टाइम नहीं आप देख रहे हो कुछ ही दिन रह गए तो मैं सिर्फ ये सीजल के सारे करवाने में अभी इंटरेस्टेड हूँ अगर टाइम रहा मैं मॉर्निंग में एक सेशन अगर ले सकी तो मैं करा दूंगी ओके okay? ही conceded a very crucial point at his opponent उसने कन्सीड करा कन्सीड करना वैसे क्या होता है एडमिटेड डिस्कस्ड कन्सीड करना वैसे एक्सेप्ट करना होता है ठीक है? अग्री करना अग्री करते हैं हम किसी के साथ तो अग्री विद होता है है, opponent. अग्री विद, अग्री होता है? है ठीक होता उसी तरीके से कंसिडर विद या कंसीडर टू दोनों सही होता है ठीक है आई सी टू it, आई कैन promise यू राइट नाउ कि मैं आपको करवा सकती हूँ कि नहीं एक, एक... कुछ कुछ है मेरे माइंड में कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को एक सेशन और करके करवानी तो मॉर्निंग में मैं कुछ लूंगी फिर मैं करवाऊंगी ठीक है चलिए गॉड आज के और वन हंड्रेड एंड एटी टू क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए हैं ठीक है ठीके? ये तो बच्चे की इच्छा है आप डबल एक्स पे भी देख सकते हैं बेटा इट इज नॉट अ फोर्स अगर पढ़ना है तो आपको टाइम तो निकालना ही पड़ेगा ट्वेंटी फोर आवर्स सबके पास होते हैं हम जब करवा सकते हैं तो आप कर क्यों नहीं सकते ये तो बहुत ही गलत हो गई बाद में काश कहने से अभी आपके पास मौका है टाइम है अभी आप जितना कर सकते हो करो ओके सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड थे 182, तो थ्री आवर्स में होने थे हालांकि पहले नहीं था पर बाद में स्पीड पकड़ी और हमने कर लिया ठीक है हाँ कौन है राजपूत जी आप कुछ हेल्प कर रहे थे सजेस्ट कर रहे थे देखा था बीच में थैंक यू सो मच फॉर दिस हम्म कैसा रहा सेशन बताइए अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आप एट द एंड भूल गए हो लाइक करना तो प्लीज इट इज अ रिक्वेस्ट टू यू ऑल विजय बैच में स्टडी मटेरियल में आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा ऊपर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है सब कुछ और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो एसोसिएटेड टू पीडीएफ तो, तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पर से आप बात कर सकते हैं ओके चलिए आगे चलते हैं कल पैसे हुए पैसे मेरे हिसाब से तो वो कैब होनी चाहिए थी देखते हैं एक्टिव पैसिव है तो एक्टिव पैसिव कर लेंगे वो कैप पहले करना चाहते हैं हम लोग तो मैं एक्टिव पैसिव की जगह वो कैप करा दूँगी एक्टिव पैसिव तो बहुत जल्दी से हो जाता है सुबह में भी करवा सकती हूँ किसी दिन ठीक है चलो अभी सेशन को ख़त्म करते हैं फिर मिलेंगे अगले सेशन में तब तक के लिए टेक केयर एवरी एंड प्लीज़ लाइक द सेशन एंड पढ़ते रहिए इन सेशन को रिवाइज ज़रूर कर दीजिएगा ठीक है ताकि कि आप लोग अच्छा एग्जाम में कर पाए और जितना अभी कर पाओगे ठीक है बाद में काश कहने के लिए कोई नहीं सुनने वाला व्हाटएवर द रीजन आर है ना जो हुआ नहीं वो नहीं हुआ दैट्स इट राइट तो वही लगेगा हम इसीलिए ग्रामर ऐसे करवाती हूँ थोड़ा सा टाइम लेके ताकि कि आप लोगों को अच्छा लगे चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टाइम कल मिलेंगे शाम को आठ बजे तब तक के लिए टेक केयर गुड बाय गुड नाइट फॉर नाउ अच्छा लगा हो लाइक जरूर करिए अगर आप मुझे रिकॉर्डेड देखते हैं तो प्लीज 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 कॉमेंट करिएगा लाइक करेगा नए आते हैं चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करके जाएं ओके प्लीज शेयर गाइस प्लीज प्लीज प्लीज, 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 प्लीज शेयर करें दूसरों तक पहुंचाएं इंडिया स्टडीज को आगे बढ़ाएं आप थोड़ा सा हेल्प करें हम आपको हमेशा हेल्प करते रहेंगे ओके सी यू इन द नेक्स्ट क्लास